हेलो, ओके, आई थिंक लाइव हो चुका है. एवरीथिंग इज़ क्लियर. बताइए मुझे, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं, वैसे मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है. अगर आपके पास मतलब आपको कोई इशू है तो अभी बता दें, फिर क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है. जो भी इशू होगा वो अभी रिजॉल्व कर लेंगे. ओके, हाई एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी आप फालतू फालतू जो चीज़ें अब कर रहे हैं एग्जाम के बाद केवीएस के, तो वो चीज़ें छोड़कर कहीं ना कहीं आपने एक स्ट्रेटेजी फिर से बना ली होगी कि अभी हमें यूपी टीजीटी भी देना है, यूपी पीजीटी देना है. तो डेफिनेटली उसकी तरफ आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा. जो लोग बहुत सीरियस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो लोग पैनिक नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है, बहुत लोग बहुत सीरियस भी होते हैं बट वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो उनको भी दिक्कत आती है. तो होप सो कि थोड़ी सी दिक्कतें दूर करके, ओके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि केवीएस में हम जो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं क्या हम अप्लाई कर दें उसके लिए, मतलब अपना डाल दें, ठीक है. तो आप देखिए, 1000 रुपीज़ फीस है एक क्वेश्चन के लिए, ओके. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप सोच समझ के कीजिएगा जो भी स्टेप आप उठाएं. तो अपना देख लीजिएगा बजट वगैरह सब चीज़ें, उसके बाद ही करें, क्योंकि अभी ये कोई आपका यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कितनी ये कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है. 60+ हम मान के चल रहे हैं बट पता नहीं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा. वन साइड वॉइस आ रही है मेरे हेडफोन में, हाँ, क्योंकि मैंने वन माइक ही ऑन किया हुआ है, इसलिए आपके एक ही साइड आएगी आवाज़, तो आप एडजस्ट कर लें, ठीक है. वरना मैं दो दो माइक रखने पड़ते तो मुझे इशू होता है. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, सभी का नाम मैं लूँ क्या? चलो, तो तुम लोगों को तो नाम लेते थे, काफ़ी टाइम हो गए. जूली वगैरह सब लोग हैं यहाँ पर, अब तो मैं काफ़ी जान गई हूँ आप लोगों को, प्रमोद जी. चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं. हम यहाँ पर फोकस करेंगे, ये जो क्लास है स्पेशली कंडक्ट की जाएगी आप लोगों के लिए, किस लिए? जॉन गासवर्दी को मैं स्पेशली फोकस करके आप कराने वाली हूँ. एज अ रिविजन आप इस क्लास को ले सकते हैं कि जितना मैंने होल आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं कराती हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को. तो चलिए स्टार्ट करें. कोई क्वेरी हो आपकी रिलेटेड टू दिस जॉन गासवर्दी, ओके, या फिर आपको जो मतलब कोर्स से रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट कोर्स मैं करा चुकी हूँ. यूपी टीजीटी मेरा बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो चुका है. एंड अभी भी जस्ट कल मैंने सैटरडे में आपकी रिवीजन भी कराया था, ठीक है, रिवीजन क्लासेस. सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, गला ठीक हो गया था बट मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है और फिर से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं बिना हेडफोन के. देखो फिर, नहीं, एक में आ रही है आवाज़. गासवर्दी है तुम्हारे सिलेबस में तो फिर यूजफुल है, अगर नहीं है तो ना देखो. हाँ डेफिनेटली, क्योंकि गासवर्दी जो हमारे पूछे जा रहे हैं ना, वो सिर्फ यूपी टीजीटी में पूछे जा रहे हैं और बाकी एग्जाम्स भी हो सकते हैं बट पीजीटी वगैरह के लिए नहीं है. तो गासवर्दी को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. चलो तो देखते हैं कि आपको कितना याद है, कितने फैक्ट्स याद हैं. ओके, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स गला चलेगा या नहीं चलेगा? चलाना पड़ेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर DSSB, आई डोंट नो, पता नहीं DSSB के लिए नहीं होगा इतना अपना ना सिलेबस, क्योंकि DSSB में कोई डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं. ओके, कहीं से कुछ भी चीजें आ रही हैं. सॉरी, ये अजीब सी आवाज है आपको सुनाने के लिए. चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गासवर्दी इन 1929. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट गासवर्दी. जब भी गासवर्दी आते हैं तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है. और इसी की वजह से आपके जो गासवर्दी हैं उनके साथ में एड है क्या? OM, है ना, OM एड है, ठीक है, OM गासवर्दी हैं आपके. तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि गासवर्दी के बारे में. हाँ, ऑर्डर ऑफ डीमेरिट, तो देखिए डीमेरिट तो किसी को दिया जाएगा नहीं, ठीक है, इतना भी नाइंसाफी नहीं होती है कि ऐसे प्राप्त. कैरी मिनाटी को प्राइस बांटा जा रहा है तो अलग बात है बट डीमेरिट्स के लिए नहीं होगा. डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ मेरिट, बिल्कुल, मैंने बोला OM. तो गासवर्दी जो है आपके, इनकी नाम के साथ आप कैपिटल में OM लिखते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है. इनको क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ मेरिट कब? 1929 में दिया गया था, ठीक है. तो यहाँ ध्यान रखें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान रख लीजिए जो कि आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं.
ये भी याद करने हैं क्योंकि हर एक चीज पे क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है ना, तो इस वजह से ये फैक्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो बॉर्न इन 14 अगस्त, ठीक है, बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867, ये ध्यान रखना है। इनको फोर ही राइटर है तो डेफिनेटली आपको डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान रखनी ही पड़ेगी, मतलब कि 14 अगस्त भी आपको ध्यान होना ही चाहिए। अगर बहुत सारे लॉट्स ऑफ राइटर्स होते हैं तो तब नीड नहीं होती है, बट अभी नीड है। तो 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ये क्या है, एक इंग्लिश राइटर है, ठीक है। ब्रिटिश इनकी नेशनलिटी हो गई है। तो डाइट कहाँ पर, 31 जनवरी 1933, एज 65 ही डाइट। कहाँ पर, हैम्पस्टेड लंदन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। मैं साथ के साथ बताती चल रही हूँ सारे फैक्ट्स को, ओके, यानी कि पूरा का पूरा एक कवरेज है, ठीक है। सन ऑफ किसके हैं ये, इनके पेरेंट का नाम क्या है, इनके फादर का नाम जॉन गार्सवर्दी ही है, एंड ब्लैंच बेले जो है इनकी क्या है, मदर है। तो ब्लैंच बेले का नाम आ जाता है, जॉन गार्सवर्दी तो सेम ही नेम है, तो ध्यान रखना है आपको इनके पेरेंट्स का नाम भी। सबसे बड़े बेटे हैं ये, एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट, एंड गार्सवर्दी वॉज ऑफर्ड एंड रिफ्यूज्ड अ नाइटहुड इन 1918। इस पर काफी सारे इश्यूज होते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इनको 1917 में अनाउंसमेंट हुआ था दिसंबर के टाइम में, एंड फिर जनवरी चल गया था, तो इसलिए 1918 में इन्होंने क्या कर दिया था, इसको रिफ्यूज कर दिया था थ्रू अ लेटर, ठीक है। एंड गार्सवर्दी वाज इन 1921, हमने देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि 1921 में वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड के नहीं बल्कि एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन है पेन, इस क्लब की 1921 में क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है। पेन की फुल फॉर्म आगे मैं पूछूंगी, अगर आपको पता हो तो मुझे अभी बता दें, अदरवाइज मैं फिर से आपसे पूछा जाएगा। ये नेक्स्ट है यहाँ पर, ही वॉज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि जस्ट क्वेश्चन है आपका 1929 में। ये कुछ ऑनर्स हैं इनकी लाइफ के जो कि आपको ध्यान रखने हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। He was awarded the 1932 Nobel Prize. तो 1932 में, 1933 में तो इनकी डेथ ही हो गई है ना, तो आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ पर उनके लास्ट टाइम में इनको 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर लिटरेचर, और स्पेशली फॉर द फोरसाइट सागा, है ना। फोरसाइट सागा ने इनको बहुत ज्यादा फेम दिया, तो तब इनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अकेडमी ने इनको दिया था, तो जो स्वीडिश है तो स्पेशली वहां से इनको दिया गया था। एंड एनीथिंग एल्स, हाँ, ये काफी ज्यादा इल थे तो इसको रिसीव करने के लिए, है ना, तो ये रिसीव नहीं कर पाए थे इसको प्राइज सेरेमनी को। एंड क्या हुआ था कि इन्होंने जो इसकी जितने भी मनी थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी पेन क्लब को, ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ऑन 10 दिसंबर 1932, एंड ही डाइड 7 वीक्स लेटर, ठीक है। 7 वीक्स लेटर इनकी डेथ ही हो गई थी 1933 में। तो दैट्स ऑल अबाउट हिम। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर्स है उनमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर, जो फोरसाइट सागा है उसको कंपेयर करें तो आप किससे कंपेयर करेंगे, बताएं मुझे। ओके, पोएट, एसेस्ट एंड नॉवलिस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है, चलो देखिए, फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लैंड, हाँ आप भी बता रहे हैं, थॉमस मैन जो हैं ये बर्डन ब्रुक, इनको बताया है आप सभी ने, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं साथ में, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये आंसर क्यों है, ठीक है, हमें ये क्यों याद रखना है, ध्यान रखना है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो थीम अलग है, बिब्लिकल थीम है, ठीक है, वो मैन के डिसोबीडियंस से रिलेटेड है ना, तो वो इससे कंसर्न नहीं करती। फोरसाइट सागा अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये थ्री जनरेशन्स की कहानी है, ओके, कि फैमिली जो है स्पेशली, तो फैमिली की को दिखाया गया है, जनरेशन टू जनरेशन दिखाया गया है, ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। शेक्सपियर का हैमलेट हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, कि यहाँ पर क्या है कि एक बेटा जो है हैमलेट अपने फादर का रिवेंज लेता है, ओके, एंड यहाँ पर सेट्स अ सुटेबल बॉय, ये आपके उसमें ही नहीं है, क्या कहते हैं, सिलेबस में ही नहीं है। तो अभी आप देखिए जो थॉमस मैन है, स्पेशली ये बर्डन ब्रुक ने जो ये नॉवल लिखा था, तो स्पेशली ये 1901 में इन्होंने लिखा था, और यानी कि आया था इनका नोवेल, नोवेल बाय थॉमस मैन। ये क्रॉनिकलिंग इन्होंने क्या किया, इसमें भी इन्होंने क्रॉनिकल्स डाले हैं, जैसे कि फोरसाइट सागा के अंदर क्रॉनिकल्स डाले गए हैं, यानी कि काल क्रम डाला गया है,
ठीक है, एक टाइम पीरियड दिया गया है कि एक जनरेशन है, फिर सेकंड जनरेशन 1922 से चलता रहता है इनका सारा का सारा चीजें, ठीक है। मैनो प्रॉपर्टी तो पहले ही आ गया था। तो होता क्या है यहाँ पर कि इसमें भी ऐसे ही आपको क्रॉनिकल्स देखने को मिलते हैं, किसमें, द डिक्लाइन ऑफ अ वेल्दी नॉर्थ जर्मन। अभी भी ध्यान रखना, शायद पूछ लिया जाए, मे भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है किसका, एक वेल्दी नॉर्थ जर्मन मर्चेंट फैमिली है। तो ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस फ्रेज को ध्यान रखना, वेल्दी नॉर्थ जर्मन मर्चेंट फैमिली ओवर द कोर्स ऑफ फोर जनरेशन। इसके अंदर कितनी है, फोर जनरेशन है, इसलिए इसे कंपेयर किया गया है इस चीज को। इंसिडेंटली यहाँ पर पोर्ट्रेट किया गया है द मैनर ऑफ लाइफ, और स्पेशली जो मैनर ऑफ लाइफ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, सेम ऐसे इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड मोर्स ऑफ द, यानी कि मोर्स स्पेशली आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे इस चीज को, क्या दिखाता है यहाँ पर, जो डिफिकल्टीज भी आप कह सकते हैं। तो हैंसेटिक है, लगभग 100 कंट्रीज हैं, मतलब उनको मिला के ये एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक लीग बनती है, ठीक है। इसको बोलेंगे हैंसेटिक लीग, पूरा नेम अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा। बर्गोस, यानी कि जो बर्गोस है, ओके, तो ये क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली है ना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आपका। वैसे तो उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट फिर भी इस वे में आप ध्यान रखेंगे इसको। इन द ईयर फ्रॉम 1835 से लेकर 1877 की स्टोरीज के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इसका कंपेरिजन किया जाता है फोर्थसाइट सागा से। इसके बारे में भी अभी देखेंगे जस्ट फोर्थसाइट सागा में, बस जस्ट यहाँ पर ये देख लीजिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Which drama depicts the fight of an idealist? Okay, देखिए ध्यान देना कि थीम ही लिखी हुई है ना, थीम मान के चलिए कि किसकी थीम है ये, डिपिक्ट मतलब दर्शाता है। तो द फाइट, फाइट किसकी है, ऑफ एन आइडियलिस्ट, यानी कि आइडियलिस्ट यानी कि जब कोई हम किसी चीज को मान लेते हैं, हमारे हम रूल्स हैं या लॉज को फॉलो करते हैं, हमने मतलब अपने माइंड में कुछ सेट कर लिया है, उस आइडियल पे हम टिके रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए जमाने में। अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, सोशल जो फोर्सेज है वो कौन, यानी कि हमारी सोसाइटी, सोसाइटी में जो हम पे फोर्स डाले जाते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये हम करेंगे या ये नीड है, बल्कि हम नहीं करना चाहते वो चीज, लेकिन हमें सोसाइटी की वजह से वो करनी पड़ती है। तो आप बताएंगे कि ये किसकी थीम है, कौन से यहाँ पर प्ले की थीम है, द मॉब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर मतलब लिख के बताया है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ए बी सी भी मुझे पसंद नहीं है बट आपने अच्छी बात है कि आप लिखते हैं तो मुझे पसंद आता है। ओके, वैसे आपकी मर्जी है आपको कैसे लिखना है। देखिए जो मॉब है इसके अंदर होता क्या है, द मॉब इज अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्थी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक तो थीम मस्ट है, जॉन गाल्सवर्थी को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी थीम क्या है, मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप शेक्सपियर की ट्रेजेडी को अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे ही बिल्कुल उसी पैरेलल ले लीजिए कि आप इनकी थीम्स को अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। आपको प्ले के चाहे करेक्टर पता हो या ना पता हो, मतलब कि जो लेस इंपॉर्टेंट प्ले है, तो उनके चाहे करेक्टर्स पता हो या ना पता हो, बट उनकी थीम आपको पता होनी ही चाहिए। तो थीम ध्यान रखनी है, एंड थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि आपके काम का हो सकता है, अगर थोड़ा वो डीप गए तो। बट वो जो डीप जाते हैं वो सिर्फ इन प्ले में जाते हैं, आपका जस्टिस है, स्ट्राइफ है, ओके, एंड सिल्वर बॉक्स, बस इन प्ले के अलावा वो बहुत डीप में जाते ही नहीं है, बाकी सबको वो ऊपर ऊपर से ही रखते हैं, बट ये तीन प्ले आपको बहुत अच्छे से रेडी करने ही होते हैं। तो द मॉब इज अ प्ले, ये भी मॉब क्या है, एक प्ले है। सबसे पहली बात तो ये कि जॉन गाल्सवर्थी ने ये लिखा है, पब्लिश्ड इन 1914, तो 1914 में ये पब्लिश हुआ, एंड किसमें, ये 4 एक्ट्स हैं इसके अंदर, कितने एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं। थीम क्या है, तो थीम जस्ट अभी हमने देखी, वही थीम है, द प्ले शोज द कंफ्लिक्ट बिटवीन, ये कंफ्लिक्ट दिखाता है बिटवीन स्टीफन, अब यहाँ पर जो मेन करेक्टर है तो वो कौन है, स्टीफन मोर है, ठीक है, जो स्पेशली आप कहेंगे प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले के। तो यहाँ पर जो ये स्टीफन मोर है एंड आइडियलिस्ट, ये क्या है, आइडियलिस्ट भी हैं जो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। हु वॉन्ट्स पीस इन प्लेस ऑफ वॉर, वो चाहते हैं कि वॉर जो है वो ना हो, बल्कि वहाँ की जो मॉब है स्पेशली जनता है, और आप कहेंगे बहुत आक्रोशित जो जनता है, गुस्से में है, एंड वहाँ की जो ज्यूरिस सिस्टम है, ओके, तो वो स्पेशली जुडिशरी है, वो सब भी क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वॉर हो, बट ये जो पर्सन है वो नहीं चाहते कि वॉर हो, तो यही इसके अंदर कन्फ्लिक्ट चलता है। और एट द एंड होता क्या है कि ये इनकी डेथ ही हो जाती है, जो स्टीफन है ये एट द एंड मारे जाते हैं। और बाद में आपको पता है एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो ये एक यहाँ पर फ्रेज देखो क्या लिखा हुआ है, फेथफुल टू हिज आइडल।
तो फेथफुल टू हिज आइडल, ये क्यों लिखा हुआ है मैंने, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक स्टैचू बिल्ड किया गया इनके ऑनर में, ठीक है, एक स्टैचू बिल्ड किया गया इनके ऑनर में जो स्टीफन है आफ्टर हिज डेथ। तो डेथ हो जाने के बाद इनको ऑनर पे किया गया इनके आइडियलिज्म के लिए, तो ये हमेशा एंड तक लड़ते रहे इस चीज के लिए, तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है अगर उन्होंने पूछा तो। कैथरीन देखो अब होता क्या है, स्टीफन मोर जो है वो मेन करेक्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एंड कैथरीन कौन है, ये स्टीफन की वाइफ है, ऑलिव कौन है, स्टीफन की जो छोटी बेटी है लिटिल डॉटर, एंड एडवर्ड मैंडिप, जो एडवर्ड मैंडिप है ये कौन है, ये मूर्स के सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है वो है, एंड जेम्स होम है इसके अंदर एक आर्किटेक्ट है, चार्ल्स शेल्डर है, ठीक है, सॉलिसिटर है, जो कि सॉलिसिटर मतलब कि लॉयर को बोलते हैं सॉलिसिटर, मार्क वेस ये हैं आपके बुक सेलर, इसके अंदर ये मेन करेक्टर्स हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पर आपका कोर्स है, यानी कि एप्लीकेशन पर कोर्स के अंदर पीडीएफ भी मिल जाएगा इस स्लाइड पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वजह से। गाजवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मात्र आपके सिर्फ और सिर्फ 4 राइटर्स हैं इन योर सिलेबस, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और जैसे कि डिफाइंड होता है अगर सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तब राइटर्स पे हम कम फोकस कर सकते हैं, बट यहाँ तो आपको हर एक फैक्ट ध्यान रखना होगा। सारे प्ले रटने हैं, सारे इनके नॉवेल्स रटते हैं आपको, आप लोगों को, एंड इनके शॉर्ट प्ले वगैरह हो, पोएट्री भी एक आधी अगर लिखी है, कुछ भी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट आपको रेडी रखनी है क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं, सिर्फ 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक इनका होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो आपको चूज करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जितने भी 4 राइटर्स हैं उनके वर्क आपको अच्छे से रेडी होने चाहिए, मतलब उनके नेम। प्रॉब्लम प्ले आप लोगों ने आंसर किया होगा, यही आंसर होगा। अब प्रॉब्लम प्ले होते क्या है, वैसे तो मैंने लिटरेरी टर्म्स में आपको बहुत बार पढ़ाया है, गाजवर्दी को भी जब मैं पढ़ाती हूँ हमेशा पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं, आज भी देख लेते हैं क्योंकि स्पेशली हम आए ही इसी काम के लिए हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम प्ले राइटर है। अब प्रॉब्लम प्ले होते कैसे, कैसी प्रॉब्लम है, शेक्सपियर ने भी लिखे हैं प्रॉब्लम प्लेस, ओके, लेकिन कंसिडर किया गया है, बाद में आया है टर्म, बाद में आई, लेकिन एनालाइज किया गया कि शेक्सपियर ने भी सोसाइटी को फोकस करते हुए काफी सारे प्लेस जो हैं, स्पेशली 2 प्लेस लिखे हैं, लेकिन अभी जस्ट हम बात करेंगे गाजवर्दी की। एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लूं। हाँ, प्रॉब्लम प्ले, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ते सारे वीडियो देख लिए, अब सब पता है, अब बस तो यही होना चाहिए। मैम सर ग्रामर क्लास नहीं दिख रहा है प्लेलिस्ट में, हाँ क्योंकि वो हिट हो गई है, मैंने पहले ही बोला था प्राइवेट हो जाएंगी क्लास, ये आपने शायद सुना नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो सबके सब वो क्या हो जाती हैं, प्राइवेट कर दी जाती हैं, यानी कि मेरे द्वारा, ठीक है, थोड़ा मेरा खिसका हुआ है ना, तो इस वजह से मैं ऐसे काम कर देती हूँ। तो लेकिन क्या है कि आप पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, हर किसी की क्लास, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए प्रॉब्लम प्ले को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिनको नहीं पता है उनको पता हो जाए, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इतने तो मोबाइल में कोई स्टेटस वगैरह चेक कर लो, जो बहुत हाइपर हो मतलब है कि भाई हाँ रेडी है सब कुछ, क्या ही पढ़े, तो थोड़ा सा चेक कर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। द टर्म प्रॉब्लम प्ले इज अप्लाइड टू प्लेस, ये कौन से प्ले पे अप्लाइड होता है, दैट ट्रीट सम सोशल, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ बताने को, तो मैं सिंपली बता सकती हूँ कि सोसाइटी में जो भी इश्यूज होते हैं उनको रेज किया जाता है, ठीक है, उन पर फोकस किया जाता है, बट नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो द टर्म प्रॉब्लम प्ले इज अप्लाइड टू प्ले, ऐसे प्ले पर अप्लाइड होती है दैट ट्रीट सम सोशल एंड मॉरल, ध्यान रखना, सम सोशल एंड स्पेशली मॉरल भी इंक्लूड किए जाते हैं, मॉरल प्रॉब्लम्स, एंड द एंड ऑफ द एंड The end of these plays compel the readers to think intelligently on the issue. इस तरह से इन प्ले को यहाँ पर ऑथराइज किया जाता है, मतलब कि इस तरह से प्ले जो होते हैं तो उनको आप कहेंगे कि वो आपको ना ऐसे जैसे जो सोसाइटी में हो रहा है मेनली जो चल रहा है आपको वो चीज़ नजर आएगी, बहुत ही इंटेलिजेंटली सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि हाँ वाकई में गलत हुआ है। क्योंकि नॉर्मल हम सोचेंगे, नॉर्मल हम किसी प्रोस्टिट्यूट के बारे में सोचें, नॉर्मल हम सोचें कि एक चोर है, ठीक है, नॉर्मल हम सोचें कि भाई जो कैदी हैं सब बुरे हैं, तो हमें सिंपैथी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती है। बट जब हम किनके प्ले को पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, एक कैदी से भी सिंपैथी हो जाती है, जो प्रिजनर है उससे भी सिंपैथी हो जाती है, और स्पेशली जैसे कोई प्रोस्टिट्यूट वगैरह है तो हमें क्या लगता है, जैसे कि हमने माधुरी दीक्षित की मूवी देखी,
ठीक है, देवदास देखी जब हमने, तो हमें कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी किससे, माधुरी दीक्षित जी से, है ना। तो वो क्या होता है कि ये आपके जो ऑथर्स होते हैं वो ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको उनसे जो नेगेटिव चीजें समाज में होती हैं फिर भी आपको सिंपैथी हो जाती है, तो वही चीज क्रिएट करने का काम करते हैं। और ये इशू रेज किए जाते हैं इसके अंदर। द टर्म वॉज कॉइंड बाय सिडनी ग्रैंडी, ने ये टर्म जो है कॉइन की थी 19th century में, ये चल रहे थे, बहुत ज्यादा फेमस थे स्पेशली जो ये प्रॉब्लम प्लेस हैं। द मेजर प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर, देखो क्या हो, क्या किसको यहाँ पर दिखाया गया होगा, क्राइम। अब क्राइम को ऐसे दिखाया जाएगा कि किसी ने क्राइम करने की वजह क्या है, आपको ये भी फोकस करना चाहिए कि क्राइम गरीबी में किया गया है या फिर उनके साथ गलत हुआ था, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको एक जो पर्सन जो गलत कर रहा है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको दिखाया जाता है। इनजस्टिस, इनजस्टिस आप देखेंगे गाजवर्दी में। यहाँ पर कंजर्वेटिज्म, तो कंजर्वेटिवनेस भी आपको दिखाई जाती है। इकोनॉमिक स्लेवरी ऑफ वुमेन, जो इकोनॉमिक स्लेवरी होती है स्पेशली जस्टिस में भी देखेंगे, जो क्या नाम है, हनी रूथविल है, ठीक है, तो उसके साथ भी क्या था, यही सब चीजें तो थी, ये सब दिखाई जाती है। डोमेस्टिक लाइफ भी अब इंक्लूड की जाती है एंड रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है इसके अंदर। पॉवर्टी एंड रिवोल्ट ऑफ यूथ, ये मतलब क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स है जो इसमें टैकल की जाती हैं। और कहने को तो आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, बट हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इन राइटर्स के क्यों, क्योंकि जो इन राइटर्स ने फोकस किया है उसको हमने क्या कहा है, प्रॉब्लम प्लेस का है। तो प्रॉब्लम प्ले राइटर कौन कौन है ज्यादातर, ठीक है, इनको तो आप जानते हैं, जॉन गाजवर्दी, जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये दो का नाम तो आपको रटा हुआ है, कुछ और नाम भी याद कर लीजिए, बाई चांस आ जाए, ऐसे आ जाए फोर लिस्ट आ जाए फोर लोगों की और उसमें एक नाम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो थोड़ा देख लीजिए। T.W. रॉबर्ट, जो रॉबर्ट स्टॉन है स्पेशली, इनका नाम भी आता है इसके अंदर, हेनरी, और स्पेशली माना जाता है कि इन्होंने शुरुआत मतलब की भी थी, ज्यादा लिखा है इनको, हेनरी आर्थर जॉन्स, हेनरिक इब्सन, ये नाम बहुत ध्यान रखना अच्छे से, हेनरिक इब्सन का नाम ध्यान रखना है। ग्रैनविल बेकर हैं आपके, और सेंट जॉन हैंकिन है, और जॉन गाजवर्दी और जॉर्ज बर्नार्ड शो, ठीक है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्रॉब्लम प्ले राइटर्स। ओके, एक चीज और देख लीजिए, एक मिनट में रब कर देती हूँ इसको। देखो जो जॉन गाजवर्दी हैं इनके कौन कौन से प्ले हैं जिनको आप कैटेगरी में रख सकते हैं प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में, ऐसा नहीं करेंगे कि सारे प्ले को उठा के प्रॉब्लम प्ले के अंदर रख देंगे, नहीं, इन प्ले को रखेंगे द सिल्वर बॉक्स, द स्किन गेम, जस्टिस एंड लॉयल्टीज, ठीक है, द सिल्वर बॉक्स, द स्किन गेम एंड जस्टिस एंड लॉयल्टीज, ये स्पेशली टारगेट किया गया है एज अ प्रॉब्लम प्ले टारगेट इसको किया गया है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ वुमेन डेथ, ये एक कोर्ट है, आपको पहचानना है किसने बोली, कहां बोली, कैसे बोली। देखिए, अ वुमेन डेथ एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हु इज द स्पीकर, स्पीकर बताएं। गुड इवनिंग वीपी सिंह, वेरी गुड इवनिंग, हाँ ये नाम आप याद रख सकते हैं। ओके, नहीं, लिटरेचर की कोई भी क्लास जो है, जो स्पेशली मैं कोई टॉपिक कवर कराती हूँ वो प्राइवेट नहीं होंगी कभी भी, यानी कि जब कोई टॉपिक कराती हूँ, बट हाँ जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ बहुत सारी चीज़ें एक बार बार रिपीट हो जाती हैं, रिपीट होती रहती हैं, तो उनको मैं प्राइवेट कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ जो स्पेशली ये क्या है, जो स्पेशली आपकी जो जैसे मैं एक टॉपिक करा रही हूँ तो ये चीज़ नहीं होती है प्राइवेट। चलिए, ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप कोई भी टॉपिक निकाल के देखेंगे हर चीज आपको मिल जाएगी मेरे YT पर। अ वुमेन डेथ एंड द टू बेस्ट मैन, ये आपने क्या बताया मुझे, किसने बोला ये, ओके सी बता रहे हैं, हार्नेस इन स्ट्राइफ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है आपका हार्नेस इन स्ट्राइफ, ठीक है। तो स्ट्राइफ जो है, स्ट्राइफ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, स्ट्राइफ भी लिखा है इन्होंने ही, एंड कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कैपिटलिस्ट एंड जो लेबर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। स्ट्राइक की थीम पढ़ लीजिए, स्ट्राइक शोज द ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिस्ट जो है वो स्पेशली क्या करते हैं, जो वर्किंग क्लास है उनको हमेशा उनके ऊपर इम्पोज करते हैं, मतलब कि उनसे वर्क ज़्यादा लेते हैं और हमेशा उनको जो सैलरी वगैरह होती है वो कम पे की जाती है, मतलब उनके घर का खर्चा भी नहीं चलता है एंड उनको कोई सिंपैथी नहीं होती है इस चीज़ से, और वर्किंग क्लास इस चीज़ से सफ़र करती है। तो यहाँ पर दो लोग हैं जो बात पे अड़े हुए हैं, स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई हुई है बहुत अच्छे से। मेजर करेक्टर्स कौन हैं इसके अंदर,
और बाद में जीत किसी की भी नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग मतलब आप देखेंगे प्ले के अंदर जो मेन लोग थे जो अड़े हुए थे उन वही लोग जो होते हैं वो सबसे पीछे खड़े होते हैं एट द एंड। यहाँ पर मेजर करेक्टर्स देख लीजिए, करेक्टर के अंदर हम जो आपकी स्पेशली फैक्ट्री है उसका नाम भी ले लेते हैं, नेम ऑफ द फैक्ट्री, क्वीन आर्थर टिन प्लेट वर्क्स, किस फैक्ट्री की कहानी है, ठीक है, स्टोरी कहाँ की दिखाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्वीन आर्थर टिन प्लेट वर्क्स, ध्यान रहेगा कि ये वाली भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना होगा, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। जॉन एंथनी, जो जॉन एंथनी है ये है किसकी तरफ से, जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, उनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि यही अड़े हुए हैं कि जिनको शर्तें माननी ही नहीं है, उनकी डिमांड्स को मानना नहीं है। तो द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है ये, इनका नाम ध्यान रखना आप लोग। एंड फ्रांसिस अंडरवुड इनके दामाद भी हैं और साथ में मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री भी है। इनकी बेटी है जॉन एंथनी की, एनिट अंडरवुड, ठीक है, जो जॉन एंथनी है इनकी बेटी है एनिट अंडरवुड और इन्हीं के ही हस्बैंड है फ्रांसिस अंडरवुड, तीनों नाम ध्यान रहेंगे। फिर है डेविड रॉबर्ट्स, ये लीडर है किसके, ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो स्ट्राइक कर रहे हैं उन वर्कर्स के लीडर है और बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है, बहुत ज्यादा, यानी कि इनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है बट ये स्टिल अड़े रहते हैं और कि उनको डिमांड जो उन्होंने रखी है उन्हें अड़े रहते हैं और बाद में इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। सिमोन हार्नेस, ये भी एक यूनियन ऑफिसर है, ठीक है। एंड एनी रॉबर्ट्स, जो एनी है वो कौन है, जो डेविड रॉबर्ट है इनकी वाइफ है, यानी कि जो लीडर है, यानी कि जो लीडर है, ठीक है, किसके, स्ट्राइकिंग वर्कर्स के, तो उनकी वाइफ है जिनकी एट द एंड डेथ भी हो जाती है। लेकिन एक चीज और फैक्ट ध्यान रखना है, ये क्या थी, जो ये एनिट अंडरवुड है इनकी मेड भी रह चुकी थी पहले, तो एनिट को क्या होती है, इनसे सिंपैथी होती है और वो विजिट करने भी आती हैं एंड ऑफर करती हैं यहाँ पर कि हेल्प के लिए, बट जो रॉबर्ट होता है बहुत ही स्टबर्न है, वो मना कर देते हैं, डेविड जो है वो मना कर देते हैं उनकी हेल्प लेने से। एडगर एंथनी और है यहाँ पर, तो एडगर एंथनी कौन है, जॉन एंथनी के बेटे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। स्ट्राइक में मेनली करेक्टर्स तो पूछे ही जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं, स्टोरी मैंने पढ़ाई हुई है आप लोगों को आपके मेन कोर्स के अंदर, तो वहां पर देख लीजिएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्राची, जॉन एंथनी वर्सेस डेविड रॉबर्ट्स, ओके ओके ठीक है। हाँ, वो लेता नहीं है हेल्प, वेरी गुड पीपी, बहुत बढ़िया। यूपी टीजीटी का न्यू बैच कब स्टार्ट करेंगी आप? अभी तो मन नहीं है भाई स्टार्ट करने का, मेरा है नहीं अभी, अभी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ काफ़ी सारी, मैंने मतलब रिवीजन करा लूँ अपनी क्लासेस का। एवरी सैटरडे मैंने जो बताया था आप लोगों को, तो एवरी सैटरडे, ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर, क्योंकि कोर्सेज मेरे कंप्लीट हैं, यूपी टीजीटी भी, यूपी टीजीटी, ठीक है, और पीजीटी, LT भी कंप्लीट है, ठीक है, LT पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करें, तो ये कंप्लीट है, अभी बाकी बचा है कि रिवीजन करा दिया जाए, तो मैं थ्री जो क्वेश्चंस के थ्रू क्या करा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ, तो एवरी सैटरडे 8 to 9 PM TGT, ओके, एंड 9 PM to 10 PM एवरी सैटरडे, ठीक है, आपका PGT। तो कल भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी और ये डेली ही होगी, डेली मतलब कहने का मतलब है सैटरडेज को, यानी कि एवरी सैटरडे को, और संडे को क्लास आपकी मैंने हमेशा के लिए लगा दी है, अगर मैं ठीक रहती हूँ तो वो संडे को क्लास 8 to 10 तक आप लोगों की होगी, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स वॉट अ वुमेन हैज टू डू, हु स्पीक्स, तो हुज कॉमेंट इज दिस, ओके, हाँ नहीं, बीएड में देखिए इंग्लिश, ये तो आप लोग गड़बड़ करते हैं ना, आप क्यों गड़बड़ करते हैं अपने सब्जेक्ट को चूज करने में? नहीं, मैं एप्लीकेशन पे कोई फ्री क्लास नहीं होती है, नॉट अ सिंगल क्लास, ठीक है, कोई भी फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको कहाँ पर, डेमो क्लासेस हैं कुछ पड़ी हुई हैं, बट मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ एप्लीकेशन पे, सब पेड है, जो फ्री कराती हूँ वो मैं यहाँ कराती हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, और यूट्यूब पर अभी भी आप फ्री भी पढ़कर, आप चाहें आपके पास पैसे नहीं है, कुछ इश्यू है, तो फ्री भी पढ़कर आप यूपी टीजीटी मेरे यहाँ से क्रैक कर सकते हैं डेफिनेटली, ये मेरा मतलब आपसे प्रॉमिस है कि आप कर जाएंगे। वेटिंग एंड वेटिंग, यानी कि मैंने ग्रामर भी पढ़ाया है, ऐसे नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ग्रामर वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो ये किसका है, जो मैग है इन स्ट्राइफ, इसने क्या किया है, इसमें ये कॉमेंट रहा है इसका,
Let's see some other facts. Just wait for a minute. एक सेकेंड. ओफो. ठीक है. This type is a three act play. First thing is आपको जो याद रखनी है वो क्या है, you have to remember that कि ये जो strife है ये play है आपका three act play है. ठीक है, it was his third play, ये इनका third play है. First play कौन सा है, the silver box इनका first play है, ये चीज आपको ध्यान रखनी ही है. ठीक है, एंड इसके बाद जो हिट हुआ उन चीजों को ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए. स्ट्राइक इनका जो थर्ड प्ले रहा वो हिट हुआ है, इट वॉज हिज थर्ड प्ले एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द थ्री. ठीक है, तीनों में तीसरे का नाम आप मुझे बता दीजिए कि जो मिड है सेकेंड वाला है वो कौन सा है, अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1909 इन लंदन, द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर. तो कौन से थिएटर में, ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर है. इसके अंदर ये क्या हुआ था, यहाँ परफॉर्मेंस हुई थी इसकी, एंड इन न्यूयॉर्क एट द न्यू थिएटर, यानी ये यहाँ पर ये प्ले हुआ था. ठीक है, परफॉर्म किया गया था न्यूयॉर्क एट द न्यूयॉर्क के अंदर, कहाँ पर, न्यू थिएटर में. देर इज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन, इनकी थीम क्या है स्ट्राइक की, जस्ट मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक के बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्ले इज एन अटैक अपॉन द प्रेस. ओके, जो ये प्रेस वाले होते हैं जर्नलिस्ट आप कहेंगे, जब ये बोलते हैं, किसी को सोचते नहीं किसी के बारे में, बस इनको अपने लिए कह सकते हैं कि अपने लिए कह सकते हैं, व्यूज भी चाहिए इन लोगों को, टीआरपी चाहिए होती है, तो उसके लिए कुछ भी करते रहते हैं. ठीक है, कभी कभी इससे बहुत ट्रबल्स आती हैं किसी किसी की लाइफ में. क्या वो फेस करते हैं डिफिकल्टीज, क्या ये इमोशंस मैच करते हैं अगर किसी की लाइफ में ट्रेजेडी हुई है, तो ये सब चीज़ शो हुई है किस में, बताइए. मैम गुड इवनिंग, हाय जितेंद्र, नीलम, वेनिता. ओके, जस्टिस बोल रहे हैं, जस्टिस द स्किन गेम द शो, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को भी कॉन्फ्लिक्ट है. अच्छा जी, देखिए, हाँ जो भी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, तृप्ति भी सही आंसर कर रही है, सही कर रही हो ना, कभी मैं तुम्हारा नाम वैसे ही ले दूँ. ठीक है, हाँ, तो द शो, जो शो है स्पेशली इसकी जो थीम है वो यही है, इसमें ध्यान रखना है आपको. द शो कब, 1925, ईयर याद रखना है आपको 1925. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डिफेंसलेसनेस ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द प्रेस इन अ फैमिली ट्रेजेडी. एक फैमिली ट्रेजेडी को यहाँ पर फोकस किया गया है थ्रू जो ये क्या है आपके जर्नलिस्ट हैं, यानी कि प्रेस है, वेयर ब्रूटल न्यूज़पेपर, ब्रूटल यानी कि जिसको कोई सिंपैथी नहीं है, बस अपने लिए व्यूज अपने पब्लिश करना है चीज़ों को, ठीक है, ऑडियंस के लिए करना है कि हाँ ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इस तरह से उस चीज़ को बना के लिखना है ना, उसमें मिर्च मसाले लगा के लिखना, हाईलाइट करना चीज़ों को. यहाँ पर क्यूरियोसिटी फंक्शंस लाइक अ डेफ एंड अनचेक मशीन, मतलब कि बस वो, उनको कोई मतलब ही नहीं है इमोशंस से, फैमिली के साथ में क्या ट्रेजेडी है क्या नहीं है, बस यहाँ पर पब्लिश करने से मतलब है उन चीज़ों को. What did Galsworthy became in 1921? यानी कि द शो को ध्यान रखेंगे, द शो की थीम है ये. What did Galsworthy became in 1921? तो Galsworthy मैंने जस्ट अभी आपको मैंशन भी किया था, I just mentioned about OM. तो बताइए आप मुझे यहाँ पर, नहीं OM नहीं है, about OM तो 1929 है. ओके, ये है 1921, तो यहाँ पर आप बताएंगे मुझे. अभी तो जस्ट याद बताना चाहिए आप लोगों को. हाँ, बी बी, ठीक है, तो जो बी है प्रेसिडेंट है ये ऑफ द पैन क्लब लंदन, पी ई एन, एंड पी ई एन स्टैंड फॉर, वो अभी जस्ट आपने बताया भी था, एक बार दोबारा से बता दीजिए, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो ये आप, इसको मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे मैंने हर चीज़ आपके लिए लिख दी है, क्योंकि ताकि ना आप लोगों को सारा नहीं पढ़ना पड़े, और आप लोग क्या कर जाओ कि अगर आप ये भी क्वेश्चंस करते हो एग्जाम में, ऐसा है ना कि फटाफट से आपको रिवीजन करना होगा, तो ये काम आ जाएगा आप लोगों के. द फर्स्ट पेन क्लब वॉज फाउंडेड एट द फ्लोरेंस, जो फर्स्ट पेन क्लब था ये कहाँ पर, फ्लोरेंस में फाउंड हुआ था, यानी कि एस्टेब्लिश हुआ था. रेस्टोरेंट इन लंदन ऑन अक्टूबर 5, यानी कि 5th ऑफ अक्टूबर 1921 को, बाई कैथरीन. अब देखना यहाँ पर ध्यान रखना, किसने, By Catherine Amy Dawson Scott, पूरा नाम है इनका Catherine Amy Dawson Scott ने ये क्या किया था, फाउंड किया था, एंड विद जॉन Galsworthy, ठीक है, एज इट्स फर्स्ट प्रेजिडेंट. तो इसके जो फर्स्ट प्रेजिडेंट सेलेक्ट किए गए थे पैन क्लब के, वो कौन थे, जॉन Galsworthy. ओके, एंड इसकी 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में क्या है, इसकी ब्रांचेस है, स्टिल भी है. इट्स फर्स्ट मेंबर इंक्लूडेड जोसेफ कॉनर्ड, इसके जो फर्स्ट मेंबर्स थे जो इंक्लूड, देख लीजिए उनमें कौन कौन है,
यानी कि पहली बार मेंबर चुने जाते हैं, तो जोसेफ कॉनार्ड है, एलिजाबेथ क्रेग है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी इंक्लूड किए गए थे, एंड एच जी वेल्स, ये सब नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पैन जो है ओरिजिनली स्टैंड फॉर पोएट्स एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट, बट अभी इसको क्या कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एसेइस्ट है, ठीक है, तो मतलब जैसे नॉवलिस्ट है, पोएट है, तो यहाँ पर आपने साथ में ऐड कर दिया, प्ले राइट भी ऐड कर दिया गया है इसमें, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ऐड हो गए हैं, बट ओरिजिनली क्या है यहाँ पर, पोएट्स, पी पी फॉर पोएट्स एंड ई फॉर जो एसेइस्ट, एंड आपका जो एन है स्टैंड फॉर नॉवलिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, देयर कैन ओनली बी एंड वन मास्टर इन हाउस वेयर टू, मैंने ये मैंने कल भी कराया था आप लोगों को, जब मैं आपकी क्लास ले रही थी टीजीटी की, तब भी कराया था ये, वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, हु इज द स्पीकर, तो स्पीकर बताना है, ये जो लाइन है मतलब क्या है इस चीज का, कि जब भी कोई हाउस हो या कोई भी चीज़ है ऐसी आपकी कंट्री भी हो, जब टू स्ट्रांग पार्टीज होती हैं यानी कि वो क्लेम करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, अगर घर के अंदर भी क्या है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर दो लोग हैं बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं, तो उनमें से रूल कौन करेगा, जो कि बेटर होगा वो रूल करेगा, है ना। तो घर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसकी चलती है सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये एंथनी है, क्योंकि बहुत प्राउडी है, हमारे जो एंथनी है चेयरमैन है तो काफ़ी प्राउडी है, एंड उन्होंने ये बात बोली है रोबर्ट के लिए। ओके नेक्स्ट, आंसर सही है आप लोगों का, हाँ, एक जगह एक ही शेर रह सकता है ये भी कह सकते हो आप। ओके चलो बताओ मुझे, दैट्स कैपिटल, अ व्हाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, हु स्पीक्स, व्हाइट फेस स्टैंड फॉर कैपिटल, स्पेशली आपके जो गोरे हैं ना, गोरे बोलते थे हमारे यहाँ पे, तो इंडिया में ऐसे ही बोलते थे ना कि गोरे आ गए गोरे, तो ये जो गोरे हैं दैट्स कैपिटल, व्हाइट फेस बोला गया इनको, इसलिए कैपिटल है, स्पेशली रिच हैं, कैपिटल पूंजीवादी लोग हैं, तो इसलिए कैपिटलिज्म, यहाँ पर कैपिटलिस्ट यूज ना करके यहाँ पर शॉर्ट में बोला गया है, दैट्स कैपिटल, अ व्हाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड, यानी कि पत्थर दिल है बिल्कुल, मॉन्स्टर है साथ में, तो ये किसका स्टेटमेंट है यहाँ पर स्पेशली, तो ये आपके जो रोबोट है, तो रोबोट्स इन स्ट्राइफ, ये बोलता है किसके लिए, एंथनी के लिए, क्योंकि ये तो किसकी तरफ से है, जो वर्कर है उनकी तरफ से है, और वर्कर की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति को समझने को कोई तैयार ही नहीं है ये लोग जो हैं, इन्होंने डिमांड बहुत हाई रखी है, इसलिए एग्रीमेंट होता ही नहीं है इनकी डिमांड्स पर, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर हार्डनेस आगे आता है, फिर यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, और यू कैन से स्पाई। ओके हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, बताइए, कुकसन, स्नो, या फिर वॉल्टर हाउ, या फिर नन ऑफ दीज, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। चलिए हाँ, बिल्कुल सही बात है, कुकसन नहीं है, अगर आपको इन लोगों के बारे में पता है ना, वॉल्टर हाउ कुकसन के बारे में पता ही होगा, तो अंदाजा लगा लेना कि यार भाई एक ही बंदा अलग दिखाई दे रहा है, यही है, ठीक है। तो जो स्नो है इसको ध्यान रखेंगे आप, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने काफी सारा लिखा हुआ है। यस, सिल्वर बॉक्स, ये भी थ्री एक्ट कॉमेडी है, और कॉमेडी टाइप में इसको लिखा गया है, मतलब कि बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाई देती है, जब आप इसको जब एज अ प्ले मतलब पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ेंगे तो उस टाइम पर क्या है कि आपको उसमें क्या है मजाक, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो वो बाद में जाके सीरियस हो जाता है, बट शुरू में आप देखेंगे एज अ कॉमेडी चलता रहता है चीज़ें, तो इसमें भी सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलता है, सिल्वर बॉक्स पहले सब फनी चीज़ें चलती रहती हैं, ओके, लेकिन एट द एंड आप देखते हैं कि पनिशमेंट जो दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। इट वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन इन 1906, ओरिजिनली 1906 में ही पब्लिश हो गया था, कहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया गया था, रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन, बट यहाँ पर देखिए डेट देख लीजिए, 18th March 1907, इट वॉज द फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ये फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट टाइम सीन हुआ, तो 18th March 1907 में एट द एम्पायर थिएटर। मेजर करेक्टर्स कौन कौन है, लेट्स सी, देखिए, जस्ट टेक अ लुक हियर, मिस्टर जॉन बार्थविक, मिस्टर जॉन बार्थविक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस पर्टिकुलर प्ले, एंड नेक्स्ट वन इज मिसेस बार्थविक, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कीजिए, बार्थविक, ठीक है, तो इनकी वाइफ है ये, एंड जॉन बार्थविक के बेटे का नाम ध्यान रखना, ये जैक,
तो ये ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो कंफ्यूजन हो जाता है स्पेशली कि जो जैक है या फिर जॉन है फादर का नाम है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग, जैक नाम है बेटे का नाम जो है, जो स्पेशली यहाँ पर क्या करता है, नशे में होता है एंड नशे में बोल देता है कि जो तुम्हें इस पर्स से चाहिए वो ले लो। एंड फिर आते हैं मिस्टर जॉन्स एंड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स इज वेरी ऑनेस्ट वुमेन, बट जो मिस्टर जॉन्स है इज टोटली अपोजिट टू हर। ये क्या है, सर्वेंट है इनके स्पेशली, और इनमें से जो मिस्टर जॉन्स है इन्होंने ही यहाँ पर चोरी की है, बट जो मिसेस जॉन्स है ये बिल्कुल इनोसेंट हैं, ठीक है। लेकिन इल्ज़ाम पहले इन्हीं पर लगता है, बट बाद में फाइंड होता है इनके हाउस में, तो फिर मिस्टर जॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये उनकी ही गलती है। नेक्स्ट वन इज व्हीलर। व्हीलर कौन है, मेड ऑफ एमपी। जो एमपी है, एमपी यानी कि जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी जॉन बार्थविक की ये मेड है, वैसे तो ये भी सर्वेंट ही है बट स्पेशली इनकी मेड है। इनका बटलर यानी कि आप कहेंगे जो इनका नौकर है वो कौन है, मार्लो है, जो स्पेशली एमपी के लिए वर्क करता है। एक स्नो है जो कि स्पाई है, यही ढूंढ निकालते हैं जब जाते हैं मिस्टर जॉन्स के हाउस में, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, मिसेस जॉन्स एंड मिसेस जॉन, जो मिस्टर जॉन्स है मिसेस जॉन्स, इनके बीच में झगड़ा हो रहा होता है इस बात को लेकर कि तुमने ये क्यों चुराया है, मतलब इतने पैसे कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें होती है, मतलब कि कहाँ से तुमने ऐसे किया, पैसे आए और ये सिल्वर बॉक्स है। तो ये पहुँच जाते हैं वहाँ पर और उनको वो मिल जाता है एंड फिर इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। वैसे ये जो है मिस्टर जॉन बार्थविक, ये नहीं चाहते थे कि केस हो क्योंकि इनके बेटे का भी नाम आएगा, बट उससे पहले ही ये चीज़ हो जाती है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन मतलब पहुँच जाती है एंड कोर्ट में इनको जाना पड़ता है। रोपर है इसके अंदर एक लॉयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैम ग्रामर की क्लासेस कब से स्टार्ट कराएंगी। ग्रामर बिल्कुल टोटली कवर्ड हो चुका है आप लोगों का, प्रैक्टिस भी बहुत सारी, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस देयर, यानी कि आपकी लगभग 30 क्लासेस तो 30 से भी प्लस जाएंगे, 40 क्लासेस तो जो पुष्पेंद्र सर हैं उनकी रही एंड लगभग अप टू 13 क्लासेस किसकी हैं, श्वेता मैम की हैं। एंड उसके अलावा जो पूरा टोटल कोर्स है वो आपका अवेलेबल है, आपके जो यूपी टीजीटी कोर्स है मेरा वहाँ पर कम्प्लीटली अवेलेबल है। केवीएस में भी सारे में अवेलेबल है, जिनके पास था उन्हें तो नीड नहीं है लेने की अलग से, बट जो यूपी टीजीटी पीजीटी वहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि इसके लिए आपको पेड कोर्स पे जाना पड़ेगा। गाजवर्दी रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, एज अ नॉवलिस्ट आपको बतानी है कि इन प्ले में से, यानी कि आपको बतानी है कि इनमें से स्पेशली किसके द्वारा एक, मतलब आप कह सकते हैं कि एज अ नॉवलिस्ट जो है ये एस्टेब्लिश हो गए पूरी तरह से, मान लिया गया होता ना कि किसी को, जैसे शेक्सपियर हैं वो अपनी ट्रेजेडीज हैं, ठीक है, अपने प्ले के लिए ही ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं, सोनेट्स वगैरह के लिए नहीं कंसिडर किए जाते, क्योंकि पोएट्री के लिए नहीं जाना जाता। पोएट्री काफ़ी लिखी उन्होंने, सोनेट्स के रूप में भी लिखी, लेकिन क्या है, क्या आप उनको कंसिडर करते हैं, नहीं ना। ऐसे यहाँ पर एज अ नॉवलिस्ट अगर आप कंसिडर करेंगे तो थ्रू विच प्ले, सी, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर सी आंसर कर रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल सही है, द फोरसाइथ सागा। तो फोरसाइथ सागा जो कि क्रॉनिकल्स है ना, तो बहुत काफ़ी लेंदी है, तो ये इसी के थ्रू क्या है, एस्टेब्लिश हो गए बिल्कुल किसमें, एज अ नॉवलिस्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं फोरसाइथ सागा के बारे में। तो जो फोरसाइथ सागा है, फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल इन 1922, यानी कि इस टाइटल से द फोरसाइथ सागा, तो 1922 में ये पब्लिश हुआ। ये क्या है, इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवल्स, इसके अंदर क्या है, 3 नॉवल्स हैं एंड 2 इंटरल्यूड हैं, पब्लिश्ड बिटवीन 1906 टू 1921, ओके। तो ध्यान रखना है इस चीज को, 3 नॉवल्स हैं, 2 इंटरल्यूड्स हैं, और ये 1906 से लेकर 1921 तक इसमें क्या है, बहुत सारी, मतलब कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सागा है ये, इसके अंदर 3 नॉवल्स कौन से हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में ऑलरेडी पब्लिश हो गया था, द चांसरी, नेक्स्ट वन चांसरी नॉवल है ये 1920 में, ये ध्यान ही रखना है आपको, मतलब ये कहते हैं ना रटने वाली चीज़ हो गई, ये रटनी। वैसे मैंने फोरसाइथ सागा को पूरा पढ़ाया हुआ है, सारी स्टोरीज पढ़ाई हुई हैं, सारे करेक्टर्स पढ़ाए हुए हैं, मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको फोरसाइथ सागा कराया हुआ है, तो एक बार से आप देख लेना यूपी, मतलब जो पेड कोर्स है वहाँ पर, तो एक बार चेक कर लेना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि इस बार थोड़ा डीपली पूछ लें तो शायद दिक्कत हो सकती है, तो एक बार ढंग से पढ़ लेना। कहानी पढ़ लोगे तो फिर ये ध्यान रहेगा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहले आता है, फिर चांसरी आता है, फिर टू लेट आता है, लेकिन इसके बीच बीच में इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड मतलब कि जो कनेक्ट करते हैं फर्स्ट नॉवल को अदर नॉवल से, यानी कि सेकंड नॉवल से। तो यहाँ पर 2 इंटरल्यूड्स हैं, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट 1918, अवेकनिंग 1920। जो ये वाली स्लाइड है ना,
मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस फोरसाइट से जब आते हैं तो यहीं से आते हैं, मतलब ये जो स्लाइड है इसी से ही लिए जाते हैं. नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, टू फोरसाइट, द फोरसाइट सागा अर्न जॉन गासवर्थी द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1932. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट. द करेक्टर ऑफ आयरनी, एक ध्यान रखना है, जो आयरीन नाम की करेक्टर है इसके अंदर, इन्होंने जो ली है आयरन नाम की करेक्टर, वो किस पे बेस्ड है? गासवर्थी की जो वाइफ है एडा नेमेसिस जो पियर्सन है, जो कि गासवर्थी की वाइफ थी, तो उन्होंने उनके करेक्टर को यहाँ पर डाला है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आयरीन. ओके चलिए, ध्यान रहेगा. इस स्लाइड को जूम कर दीजिए. अब ये तो दिक्कत हो जाएगी, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकती. पहले ही सबसे प्री सेट है हर चीज, मतलब ये सेट है. ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा. ठीक है, आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कराए जाते हैं ना, तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा. चलो नेक्स्ट आप देखते हैं, पुअर जॉन्स अपीयर्स इन, जो पुअर जॉन है, ये पुअर जॉन्स, अभी जस्ट मैंने बताया भी, इसे पुअर जॉन्स भी बोलते हैं. तो पुअर जॉन्स अपीयर्स इन, बताइए, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, द सिल्वर बॉक्स, या फिर नन ऑफ दीज? मैम प्लीज वैलिडिटी इंक्रीज कर दीजिए. ठीक है, ठीक है भाई, एक साल वैलिडिटी में देती हूँ. ठीक है, और कितनी चाहिए आप लोगों को, आप बोलो. अब वो वैलिडिटी खत्म हो गई तो दोबारा कोर्स परचेज कर लो भाई. ठीक है, अब क्या सोच रहे हो कि मतलब मैं भाई, मुझे भी कुछ कमाना वमाना होता है, ये सब बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं, ये कोई फ्री में आ जाती हैं, या मेरे घर वालों ने ये कह रखा है कि हाँ भाई तू फ्री में ये करे जा, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो ऐसा है कि कोर्स जो है, आप लोग मुझसे बैगिंग करने की बजाय या रिक्वेस्ट करने की बजाय ट्राई करें, कोशिश करें, या तो वन ईयर की जो वैलिडिटी आपको मिलती है उसमें आप क्या करें, पढ़ लें, रिविज़न कर लें, अच्छे से अपने नोट्स बना के रख लें, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. अदरवाइज़ क्या है कि फिर आप दोबारा से, क्योंकि आप पढ़ते तो है नहीं, मुझे मालूम है ये बात, ऐसे चली जाती हैं आपकी वैलिडिटियाँ, यहाँ वहाँ कोर्स खरीदे हुए होते हैं. ठीक है, और पढ़ते पढ़ाते तुम लोग हो नहीं कहीं पर भी, थोड़ा बहुत पढ़ा फिर छुट्टी. द सिल्वर बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर पुअर जॉन्स अभी जस्ट मैंने मेंशन भी किया था, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स, जैक बार्टविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स व्हाइल जॉन्स स्टील. पुअर जॉन्स ने क्या स्टील किया, जबकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक वुमेन का पर्स चोरी किया गया है जो कि स्काई ब्लू वेलवेट, ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का पर्स था, स्काई ब्लू कलर का था, वेलवेट सिल्क पर्स था, काफी एक्सपेंसिव पर्स था, जो कि चोरी किया किसने, जैक बार्टविक ने, यानी कि जॉन्स के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बेटे ने चोरी की है, मतलब वाओ, इतना पैसा होने के बावजूद भी. एंड जो उनका नौकर है पुअर जॉन्स, वो क्या चुराता है, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, वैलिडिटी जून तक दिखा रहा है मेरे यूपीटीजीटी की, यदि जून तक एग्जाम ना होगा तो मैम तो दोबारा खरीद लेना, ये भी कोई बात है, जून तक एग्जाम नहीं हो तो दोबारा खरीद लो, ये क्या बात होती है. वन ईयर वैलिडिटी आपको मिलती है, यानी कि जैसे आज आपने परचेज किया तो इसके एक साल तक वैलिडिटी रहती है. ठीक है, तो आप ये सोचो कि वो आप एक साल आपके लिए कम पड़ जाता है, आप एक साल में पढ़ते नहीं हो. एग्जाम का क्या, एग्जाम तो पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है, 2016 वाला एग्जाम देखो, नहीं हुआ तीन साल, तीन साल लगभग साढ़े तीन साल हुआ ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं. तो ऐसे थोड़ी ना कि साढ़े तीन साल तक वो कोर्स ऐसे ही चलता रहेगा. सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर बॉक्स दैट हैज कॉइन्स, अ सिल्वर सीक्रेट बॉक्स, या फिर नन ऑफ दिस. तो अ सिल्वर सीक्रेट बॉक्स तो यहाँ से चुराया गया था, इसी के ऊपर सारी कहानी है, इसी के ऊपर ही द सिल्वर, अ सिल्वर बॉक्स इसका टाइटल है. बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, एक वर्क है जिसके बारे में यहाँ पर गासवर्थी ने स्टेटमेंट दे दिया है कि बर्न इट, या तो इसे जला दो, ठीक है, इसको जला दो, एंड यू विल ओब्लाइज मी, है ना, मेरे लिए आपका क्या होगा, मतलब ओब्लाइज होगा. स्पेशली होता है ना कि भाई कोई वर्क लिखा नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा ग्रेटफुल नहीं है आप स्पेशली इस चीज़ के लिए, आपको लगा कि वो नहीं जाना चाहिए था पब्लिक में, वो आपको लिख के पछताना हुआ इस चीज़ का. कभी कभी हम कुछ बोल भी देते हैं तब भी हम पछताते हैं, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. तो सेम ऐसी चीज़ें होती हैं. तो अभी आप बताएंगे अबाउट विच डज गासवर्थी टॉक हियर, कौन से वर्क के बारे में वो कह रहे हैं. तब तो फिर प्रश्न रोक दी चाहिए. अब आप मेरे फेवर में बोल रहे हैं या किसी और के फेवर में बोल रहे हैं, चलो तो जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लीजिए. बट जो वैलिडिटी है वो कंप्लीट की जाती है आपकी, यानी कि वन ईयर वैलिडिटी रहती है, जैसे आज आपने परचेज किया है वन ईयर तक रहती है.
आप प्लीज़ कोशिश करें कि उसी के अंदर अपने को कंप्लीट कर लें, नोट्स बना लें अपने, ठीक है। अगर आपको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर मनी वगैरह की प्रॉब्लम है, वैसे है नहीं, 10 जगह कोर्स खरीदते हो तुम लोग, ये बात मुझे अच्छे से पता होती है। जैसे कुछ लोग मुझसे कह देंगे यार हमने ना वहाँ मैडम हमने तो वहाँ कोर्स खरीद लिया था, अभी क्या प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, आपके में प्रैक्टिस चल रही है तो हम आपके में खरीद लें, बस प्रैक्टिस बैच दे दो, खाली प्रैक्टिस बैच चल जाए। तो मैं सोचती हूँ भाई जहाँ पढ़ रहे हो वहीं कर लो। अब 4-4 जगह तुम कोर्स लोगे फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसेलिन या सिल्वर बॉक्स किसके लिए, तो फ्रॉम द फोर विंड्स है ना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रॉम द फोर विंड्स है, जॉसेलिन है, आइलैंड फेरेसिस है, तो ये किस अपनका जो पैन नेम था इनके लिए इन्होंने क्या चूज कर रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गार्ल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1898 विच नॉवल। गार्ल्सवर्दी का जो फर्स्ट नॉवल था वो पब्लिश हुआ, नॉवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम प्ले की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो बताएंगे आप यहाँ पर कि गार्ल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1898 विच नॉवल, स्पेशली 98 की बात चल रही है यहाँ पर, तो उस नॉवल का नाम मैंशन करिए। मैं तो फ्री ही ढूंढता हूँ मैम, तो पढ़ो भाई, फ्री फ्री भी बहुत कुछ है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे मिलियन माइंड्स हैं आपके सर हैं, तो बहुत कुछ उन्होंने कराया हुआ है, फ्री क्या दिक्कत है, करो आराम से। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि फ्री नहीं होती हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें फ्री हैं, बस आपको टॉपिक सर्च करो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ वहाँ वहाँ टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि भाई तुम्हें प्रैक्टिस भी कराएंगे हम, तुम्हें ये भी कराएंगे वो कराएंगे, तो फ्री में तो ऐसा ही होता है ना। द साइंस, ठीक है, द विला द मे द मैन ऑफ डिवॉन कौन सा है, तो जॉसेलिन। अब इसको क्या है, कुछ लोगों ने क्या कर दिया था कि एग्जाम में इसकी स्पेलिंग गलत दे रखी थी, लास्ट ईयर जब हुआ था एग्जाम तो क्या हुआ कि इसकी इसकी जो स्पेलिंग थी वो गलत दे रखी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, बच्चों ने इसको रॉन्ग ही कर दिया, मतलब इसको ऑप्शन में लिया ही नहीं। भाई देखो आप लोगों को हक नहीं है कि आप गलती करें, बट हमारे जो बोर्ड है ना तो उनको बहुत हक है, वो गलत पंक्चुएशन भी गलत मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, वो स्पेशली जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो गलत लिख सकते हैं, वो स्पेलिंग भी गलत कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ईयर भी गलत कर सकते हैं, तो वो गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उनको हक है लेकिन आपको हक नहीं है। तो आप जो है अगर जॉसेलिन लिखा हुआ था तो जॉसेलिन ही आपको क्या करना था, करेक्ट आंसर शो करना था। इन स्ट्राइक द स्ट्राइक्स टेक प्लेस एट, स्पेशली आप बताएंगे भी, जैसे मैंने मेंशन भी किया आपको, स्ट्राइक में जो स्ट्राइक हुई है वो कहाँ पर हुई है, उस प्लेस का नाम बताइए, फैक्ट्री का नेम मेंशन कीजिए। लिटरेरी टर्म तो आपने बहुत अच्छे से कराए हैं, जो भी मैं कराती हूँ मैं बहुत अच्छे से ही कराती हूँ, और ये बात यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी स्टूडेंट्स भी अपने आप उस चीज़ की कह सकते हैं गवाही दे सकते हैं, अगर आपका मन हो तो, वैसे कहने से कोई करता तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर आपका दिल हो तो आप खुद भी जो पेड कोर्स में हैं वो बता सकते हैं, या फिर फ्री भी पढ़ रहे हैं तो वो बता सकते हैं, आप चाहें तो, रिक्वेस्ट करने पे नहीं करते ना हम लोग। इन स्ट्राइक द स्ट्राइक्स टेक प्लेस एट, तो ये क्या है, ट्रिनार्था 10 प्लेट वर्क्स, तो ट्रिनार्था की स्पेलिंग पूछी जा रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, TRENARTHA 10 प्लेट वर्क्स इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू अनु, यही सब कुछ तो है, यही अचीवमेंट्स हैं, और क्या है लाइफ में, और अपनी लाइफ में अगर ये मिल जाए जो मुझे मिला है, डेफिनेटली आप लोगों का प्यार, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है, कुछ नहीं। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गार्ल्सवर्दी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द सुडोनियम, लोग पूछ लिया इन लोगों ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, बताओ आंसर करो, इनका सुडोनियम बताएंगे आप, बताइए, जब इन्होंने फर्स्ट फोर वर्क इनके जो है तो उसमें क्या इन्होंने नेम चूज किया था अपने लिए, यहाँ पर स्पेशली अभी आप लोग बता दो पहले, तो वो नेम चूज किया इन्होंने, और ये भी बताएंगे मुझे, जॉन गास तो होगा नहीं, जो बोज है वो आप बता सकते हैं, PGT वाले बता सकते हैं, बोज किसने यहाँ पर यूज किया है, एंड जो इलिया है यानी ELT वाले बताएंगे बोज वगैरह के लिए, और जो इलिया है ये कौन यूज करते हैं ना, वैसे ये आपके वाले में भी है PGT में भी, तो आप ये बताएंगे, एंड जॉन सेंट जॉन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो जॉन सेंट जॉन के नाम से इन्होंने फर्स्ट फोर वर्क लिखे थे, लेकिन बाद में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था इस सुडोनियम को, इनको पसंद नहीं आया था, लगा था शायद इससे लक उनका काम नहीं कर रहा है, और हुआ भी यही, इन्होंने जब इसके बाद में अपने नाम से ही पब्लिश कराए वर्क तो वो बहुत सारे फेम उनको मिलता है। तो यहाँ पर बोज बताइए, बोज यूज फॉर
बताए, इलिया तो फोर लैम्प हो गया, ये तो सबको याद है। हाँ, इलिया ऑफ एसे वगैरह की वजह से याद है। बोज बताइए कौन है, मिस्टर बोज। हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, स्पेशली जस्टिस में जिसको इसको कन्फाइनमेंट मिलता है सॉलिटरी, यानी कि बिल्कुल अकेले एक काल कोठरी में उसको रखा जाता है, जहां पर उसकी मेंटली स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पर हिल जाती है। हाँ, डिकन्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकांक्षा, वेरी गुड। आकांक्षा के अलावा किसी और ने आंसर, विनीता ने किया है, ओके विनीता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बॉक्स नहीं है आरिफ, करेक्ट योर सर, बॉक्स नहीं है, बोज है। ठीक है यार, तुमने तो बिल्कुल याद कर दी, बॉक्स नाम रखेंगे कोई। अब तुम लोगों की तरह थोड़ी है कि नथिंग नाम रख लेते हो तुम, अपना कुछ भी नाम रख लेते हो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है किसको, विलियम फॉल्डर, और किसके चक्कर में मिलता है, खुद को पैसे नहीं चाहिए थे, किसको पैसे चाहिए थे, यहाँ पर इनके बिलव्ड हैं हनी रुथविल, ठीक है, अब भाई इनके लिए चाहिए थे, ठीक है, जो रुथविल हैं उनके लिए पैसा चाहिए था, वैसे वो काफ़ी परेशान थी तो उसके चक्कर में फंस गए सर। देखिए, जस्टिस 1910 में आता है, एंड फर्स्ट ऑफ अ कैंपेन, इनका जो इनका कैंपेन था, फर्स्ट कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन, यानी कि जो प्रिजन, जो कैदियों की जो स्थिति है, स्पेशली उस चीज़ को यहाँ पर आप लोग फोकस किया गया है, और उसके लिए फर्स्ट कैंपेन हुआ था, जिसमें यहाँ पर बाद में रेज किया गया था कि इसकी स्थिति को सुधारा जाए। एंड जो विंस्टन चर्चिल है, कौन, विंस्टन चर्चिल उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, वो क्या आए थे, अटेंड करने आए थे, अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले ऑफ द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन। कितनी बड़ी बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, है ना, तो ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। जेम्स हाउ, मेन करेक्टर्स जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ, जो सॉलिसिटर है जिनकी कंपनी है, ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रॉबर्ट कुकसन, रॉबर्ट कुकसन देयर मैनेजर क्लर्क, मैनेजिंग क्लर्क है, और काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखता है हनी रुथविल से भी और इनसे भी। विलियम फॉल्डर, विलियम फॉल्डर कौन है, देयर जूनियर क्लर्क है, यानी कि विलियम फॉल्डर जूनियर क्लर्क है, जो कि चोरी करते हैं, मतलब कि फोर्जरी करते हैं चेक की स्पेशली। रुथ हनीविल, बिलव्ड ऑफ फॉल्डर, देखो फोल्डर लिखा हुआ है, फॉल्डर है, ठीक है, तो ये कौन है, बिलव्ड है, और भी बहुत लोग हैं इसके अंदर, उसके लिए आपको पूरा प्ले पढ़ना पड़ेगा, कितने जो चेक था वो कितने का था, जो उन्होंने 10 एक्स्ट्रा बढ़ा दी थी, मतलब कितने का कर दिया था, कैसे किया था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्ले के अंदर आपको मिल ही जाएंगी। जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ, थीम पूछी जा रही है जस्टिस की आपसे कि जस्टिस के अंदर क्या प्रॉब्लम शो हुई, और ये बार बार आता रहता है। मैम कितने क्वेश्चन बचे हैं, नेट खत्म हो गया है, हाँ प्यार में बदनाम हो गया वो दिमाग काम नहीं कर रहा, चोरी भी करी मैंने जल्दबाजी में कर दी, उसने थोड़ा टाइम नहीं लिया, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था उसको, जल्दी काम कर दिया, और लड़कियां होती है ना रोना धोना करती हैं, ठीक है, तो बेचारा पिघल गया, उसे पता नहीं था कि अगर ये रोने धोने में फंसेगा तो आगे जाके और क्या होना है, हुआ भी यही, फिर ना वो कहीं की रही और ना ही ये कहीं का रहा। ठीक है, इंग्लिश लीगल सिस्टम, और ये बार बार पूछा जाता है, चाहे तुम ये कह लो कि मैम लेवल हाई नहीं हो रहा, लेवल ये नहीं डाउन नहीं हो रहा, बार बार यही पूछा जाता है आप लोगों से। तो इंग्लिश लीगल सिस्टम की यहाँ पर क्या है, ये थीम रखी गई है, लीगल सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जाए। हु इज द लीडर ऑफ लेबरर्स इन स्ट्राइफ, तो हु इज द लीडर ऑफ लेबरर्स इन स्ट्राइफ, तो बताइए, अब तो ये याद हो गया होगा आप लोगों को, जो वर्कर्स हैं उनके लीडर बताइए कौन थे, जैक बार्टविक, फाल्डो, या फिर डेविड रॉबर्ट्स, बताइए। सोनम पांडे, अयोध्या मैम पहली बार लाइव हूँ, वेलकम सोनम, बहुत बहुत स्वागत है, और आप, मैं चाहूँगी कि आप हमेशा लाइव रहें, ऐसा इंप्रेशन पड़े आपके ऊपर इस क्लास का कि आप हमेशा लाइव आएं जब भी मेरी क्लास हो, ठीक है, आपको एक क्यूरियोसिटी हो, ठीक है, कहते ना एडिक्शन हो जाता है, तो एक एडिक्शन हो कि हाँ मैम की क्लास है और आपको रिसीव करनी ही करनी है। तो ये है डेविड रॉबर्ट्स, ठीक है, डेविड रॉबर्ट्स, ये हमने पहले भी मेंशन किया अभी जस्ट, तो ये यहाँ पर क्या है, लीड कर रहे हैं अपनी लेबर को। जैक बार्टविक अपीयर्स इन, जैक बार्टविक कहाँ पर अपीयर होते हैं, अब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। जूली मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, टाइम मैम प्लीज आपकी ऑनलाइन क्लास का, एवरी संडे 8 PM, एवरी संडे 8 PM, अगर कोई एग्जाम नहीं है तो, मतलब अगर कोई एग्जाम आ जाता है फिर तो हम डेली ही अपना फेस दिखाने आ जाएंगे,
मैं डेली ही आपके सामने आ जाऊंगी, बट जब तक कोई एग्जाम, मतलब एग्जाम जो मैं एग्जाम कराती हूँ, मतलब जो एग्जाम को मैं अपने हैंड में लेती हूँ, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी, आपका खासकर वही मेरा टारगेट रहता है यूपी के एग्जाम्स। तो यूपी के एग्जाम के अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है तो एवरी संडे 8 PM, अदरवाइज अगर एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है तो फिर हम डेली ही फेस टू फेस। जेक बार्टविक अपीयर्स इन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है अब तो हमारे लिए, बाएं हाथ का खेल द सिल्वर बॉक्स। ओके, फटाफट से करते हैं। स्ट्राइव डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्ट्राइव डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, थीम बताते चलो फटाफट से, तो पता ही आप लोगों को, मैं भी आंसर कर देती हूँ फटाफट से। तो कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्ले ऑफ गास्वर्दी इज, आंसर क्विकली, द फर्स्ट प्ले ऑफ गास्वर्दी इज, नाउ वेरी इजी टू यू, द फर्स्ट प्ले ऑफ गास्वर्दी इज सिल्वर बॉक्स या फिर जस्टिस या फिर लॉयल्टीज, क्या है आपका? ओके, थैंक यू, जो भी मेरी तारीफ में पुल बांध रहे हैं, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट प्ले ऑफ गास्वर्दी सिल्वर बॉक्स, ये मैंने आपको जस्ट मेंशन किया था। स्ट्राइव थर्ड प्ले है, ध्यान रखना। मैंने सेकंड पूछा था, पता नहीं किसी ने बताया नहीं बताया। लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, जब मैं ये पढ़ा रही थी तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम अच्छा कि जब इनको 1918 में दिया गया नाइटहुड तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ये कहकर कि लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, ठीक है, लेकिन जब नोबल प्राइज मिला 1932 में तो वो एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो तब नहीं आया उनको ख्याल। अब भाई गास्वर्दी जी से जाके पूछ लो स्पेशली कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। तो लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, तो इन्होंने गास्वर्दी जी ने स्पेशली ये कहा है कि नहीं, जो लिटरेचर अपने आप में अपना जो काम होता है वही रिवॉर्ड होता है, उनको नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए थी। जॉन बिल्डर, बताइए, जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन, बहुत ही हॉट टेम्पर्ड है ये जॉन बिल्डर, इन विच प्ले डज ही अपीयर्स। अब जो एक्स्ट्रा प्लेज है ना आपकी, जैसे लॉयल्टीज है या फिर द फैमिली मैन है, द शो वगैरह है, मतलब मैं इनको बहुत ज़्यादा खोल के नहीं बता रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसी चीज़ों से, अगर मुझे लगेगा एग्जाम टाइम में, मतलब ऐसा, वैसे मैंने कराए हुए हैं लॉयल्टीज वगैरह सारे आपके उसमें कराए हुए हैं, जो आपका क्या है स्किन गेम वगैरह ये सब कराए हुए हैं, जो आपका पेड कोर्स है, है ना, तो इसमें हम फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पर आप फैमिली मैन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे आप, विच प्ले एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ये अगेन द शो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये मैंने जस्ट बताया डोमेस्टिक ट्रेजेडी को हाईलाइट किया गया किसके द्वारा, द जो मीडिया है उसने। जो वेल्विन है इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, बताइए जो वेल्विन है वो किस प्ले के अंदर आर्टिस्ट है, ये प्ले भी मैंने किसी टाइम कराया है ऐसा मुझे याद आ रहा है, ये आर्टिस्ट वगैरह की कहानी मैंने बताई थी आप लोगों को। तो आंसर क्या होगा आपका, द पिजन, यहाँ पर द पिजन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इतना ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन बार बार, कॉलोनल होप अपीयर्स इन, जो कॉलोनल होप है ये किस में अपीयर होता है आपको, द एल्डेस्ट सन, अभी जस्ट मैंने बताया भी था आप लोगों को जॉय, या फिर नहीं ये नहीं बताया अभी जस्ट, ये मैंने पहले जब कराई थी तब बताया था, ये मतलब पहले क्वेश्चन कराए थे तब बताया था, तो जॉय इज अ करेक्ट आंसर है। विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल, जो होटल है तो इसके अंदर काफ़ी सारी वेरियस जो स्टोरीज हैं, यानी कि स्टोरीज आप कहेंगे कि जो मंजिलें होती हैं तो उसको रिलेटेड करके फेट बताया गया है कि इस पे, मतलब फेट कहते हैं ना, फेट को रिलेट कर दिया गया भाग्य को, तो कौन से प्ले के अंदर, तो यहाँ पर द रूफ, ओके, द रूफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है कि विच प्ले ऑफ गास्वर्दी डील्स विद द इन एडुकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल towards an escaped prisoner, very easy question, बताओ जल्दी से। okay, PP, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा escape is a correct answer, तो escape prisoners especially, मतलब कि अगर कोई prisoner होता है वो escape कर जाता है तो आगे जाके उसकी life कैसी होती है वो सब चीज़ें इसमें show की गई हैं। The first work that earned Gasworthy was the novel Identify It, तो इनका जो फर्स्ट वर्क है जो गास्वर्दी को एज अ कहते हैं ना नोवल, वॉज द नोवल, एक मिनट, द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गास्वर्दी वॉज द नोवल आइडेंटिफाई इट, तो फर्स्ट वर्क एज अ फर्स्ट वर्क आप ले सकते हैं यहाँ पर,
इसको आगाज वर्दी के लिए, तो उसको आप बताएंगे यहाँ पर इनमें से फ्रेटर्निटी है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब पब्लिश हुआ था, तो द फ्रेटर्निटी या फिर कंट्री माउस या फिर द आइलैंड फेरेसेस या फिर जॉसलिन, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका। इनके फादर की डेथ भी तभी हुई थी जब ये पब्लिश हुआ था, ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। द आइलैंड फेरेसेस इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ये ऐसे कंबाइंड कर दिया जाता है कि मतलब फादर की डेथ हुई थी इनके लिए तभी इन्होंने किया था और ये लॉयर बनना चाहते थे, ठीक है, मतलब पहले इन्होंने लॉयर की स्टडी की थी लेकिन फिर क्या हुआ था कि इन्होंने उस चीज़ को आगे कंटिन्यू ही नहीं किया, फिर शिपिंग का इनका बिजनेस है था तो उसको इन्होंने देखना शुरू किया एंड उसके साथ साथ इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। विच प्ले डील्स विद दैट क्लास लॉयल्टीज एंड प्रेजुडाइज, कौन सी क्लास जो है वो लॉयल्टीज और प्रेजुडाइज स्पेशली पक्षपात से, आप कह सकते हैं ना कि हम पक्षपात करते हैं जैसे किसी के पक्ष में होते हैं किसी के विपक्ष में, यानी कि जिसको हम सही मान लेते हैं तो वो सही है चाहे वो गलत कर रहा हो, तो लॉयल्टीज एंड प्रेजुडाइज, तो किसकी थीम है ये, द स्किन गेम लॉयल्टीज एस्केप या स्ट्राइफ, तो यहाँ पर लॉयल्टीज इज अ करेक्ट आंसर। लॉयल्टीज एक अच्छा प्ले है, इसमें आप ध्यान रखेंगे लॉयल्टीज में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे वो फोर्स से रिटायर है ना जो रोनी है, तो उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम ये सोचते हैं कि ये बंदा हमेशा लॉयल रहेगा क्योंकि ये फोर्स से रिटायर्ड है, फोर्स का आदमी है, बट कहीं ना कहीं हम उसको मतलब सच मानते ही नहीं है, बट फाइनली क्या होता है कि चोरी उसी बंदे ने की होती है जिसको हमने सोचा हुआ होता है कि मतलब उनकी जो क्या थी घोड़ी थी वो बेची थी, ठीक है, तो डैंसी को बेची गई थी तो 1000 पर उन्होंने क्या कर दी थी, प्रॉफिट पर बेच दी थी। ये कहानी है, पढ़ लेना तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है आप लोगों को। विच प्ले डील्स विद डिफरेंट, ये मतलब मैंने पढ़ाई हुई है, कभी सोचो कि मैं बोल रही हूँ अपने आप पढ़ लेना, नहीं मैंने पढ़ाया हुआ है आपके पेड कोर्सेज में। विच प्ले डील्स विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेस मैन, बताइए ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, एंड द न्यू रिच बिजनेसमैन, एक पैटर्न पर हम चलते रहते हैं लेकिन अभी कोई न्यूली रिच बिजनेसमैन है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो द स्किन गेम लॉयल्टी जस्टिस एंड स्ट्राइफ, क्या आंसर होगा आप लोगों का, हाँ बायस्ड होते हैं, बायस्ड की स्पेलिंग गलत है आपकी, ठीक है, द स्किन गेम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे इन लॉयल्टीज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट लॉयल्टीज एंड, ये तो जस्ट हो चुका है आप लोगों का, द रेस प्रेजुडाइज इज अ करेक्ट आंसर। इन स्ट्राइफ द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, बताइए स्ट्राइफ में भी जस्ट हमने किया तो कैपिटल एंड लेबर इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, इन जस्टिस वी फील द बेस्ट इम्प्लाइड बाय फादर सुसाइड हूज स्टेटमेंट इज दिस, ये कुछ कोट्स है जो गासवर्दी के बारे में पूछ ली जाती हैं तो इनको ध्यान रखेंगे, जैसे कि कोई क्रिटिकल कॉमेंट्स हो जाती है ना, क्रिटिकल कॉमेंट्स दे दी जाती हैं तो वो कॉमेंट्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर एक इसका स्टेटमेंट है जो एलर्डिस निकोल है ना, एलर्डाइस बोलेंगे इनको शायद, तो निकोल है तो इनका स्टेटमेंट है अबाउट गासवर्दी, तो इसको ध्यान रखेंगे, इनजस्टिस वी फील द बेस्ट इम्प्लाइड बाय फादर सुसाइड। नेक्स्ट वन इज जस्टिस इज अ लीगल डायग्राम यूज टू हैरो द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस विद द हॉरर ऑफ द प्रिजन लाइफ हूज स्टेटमेंट इज दिस, ज्यादातर जो आपको कमेंट मिलेंगी वो जस्टिस के बारे में मिलेंगी, जो क्रिटिकल कमेंट्स है वो जस्टिस को लेकर ही देखने को मिलेंगी आपको, तो ये जॉर्ज जो सैमसन है इनका कमेंट है। नेक्स्ट जस्टिस हैज लेस इक्वलिटी इन द स्केल्स देन इट्स टाइटल वुड सीम टू डिमांड, बताइए यानी कि अपने उस पर खरा नहीं उतरता है, बताए Whose statement is this? W. L. Phillips. Next one is, as a novelist, Gasworthy began his career at the age of 30. As a novelist, मान के चल रहे हैं हम कि 30 की एज में उन्होंने करियर की स्टार्टिंग की, and his first book from the four winds was published under the name of, ये तो वेरी इजी, जॉन सेंट जॉन, अभी जस्ट हमने आंसर किया, इस तरह कैसे भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इफेक्ट वही रहेंगे। The writer of the book Gasworthy was the writer of the book Gasworthy as a dramatic artist, पूरा टाइटल है Gasworthy as a dramatic artist, तो ये बुक किसने लिखी है इस टाइटल से, ओके ठीक है, जो आर एच कॉट है, ठीक है, इनका वर्क है ये। नेक्स्ट वन इज लॉयल्टीज आई डोंट नो क्रिस क्रॉस अ ओल्ड कट ईच अदर्स थॉट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, तो
बताइए, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कट इतना आता है, जब कभी कभी तो इतना ही याद आता है बस, क्रिस क्रॉस द ओल्ड कट ईच थ्रोट्स. यहाँ पर तो लॉयल्टीज लिखा हुआ भी है लेकिन ये नहीं आएगा लिखा हुआ. ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि मतलब अपने फायदे के लिए हम कुछ भी किसी के साथ करने को तैयार हैं, तो ये गाजवर्दी का जो लॉयल्टीज प्ले है यहाँ से ये कोट उठाइए. दिस हिंदी ऑथर, देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा अलग सा है. दिस हिंदी ऑथर इज फेमस फॉर हिज स्टोरीज एंड नॉवल्स. He writes for a common man, है ना, कॉमन मैन के लिए लिखते हैं. He was so much influenced by John Gasworthy that he translated, उन्होंने ट्रांसलेट किया है द सिल्वर बॉक्स. सिल्वर बॉक्स चांदी की डिबिया, ठीक है, सिल्वर बॉक्स इज चांदी की डिबिया इन हिंदी. नेक्स्ट वन इज स्ट्राइफ, उसको उन्होंने क्या टाइटल दिया, हड़ताल. हिंदी में हड़ताल बोलेंगे ना, तो स्ट्राइफ इज हड़ताल. एंड जस्टिस एज न्याय, तो ऐसे इन्होंने भी इसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है. हु इज दिस हिंदी ऑथर, कौन है, तो हमारे प्यारे कौन है, मिस मुंशी प्रेमचंद जी. ठीक है, देखो पढ़ते थे वो भी, इंग्लिश जानते थे, ऐसी मान रहे हो तुम लोग. द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लाइट, द लिटिल मैन, देखिए द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क, डिफीट, द सन एंड पंच. ठीक है, द सन एंड पंच, नहीं द सन ये अलग है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है कि एंड. ठीक है, द सन एक है, पंच एंड गो आर फ्रॉम द पैन ऑफ गाजवर्दी. दीज आर कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, हिस्ट्री हैं या फिर शॉर्ट प्ले हैं. ओके, हाँ, तो आंसर इज यहां पर दीज ऑल आर शॉर्ट प्लेज, ठीक है, रिटन बाय गाजवर्दी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्ले डील्स विद द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस. वेरी सिंपल नाउ, तो आंसर वुड बी, ओके, द आंसर इज द सिल्वर बॉक्स. विच प्ले डील्स विद द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, क्योंकि इसमें सिल्वर बॉक्स में क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का बेटा है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जबकि चोरी उसने भी की थी, एंड जो पुअर है उसको क्या दी जाती है, उसको कन्फाइनमेंट सजा दी जाती है, यानी कि पुअर जॉन्स को. नेक्स्ट इज गाजवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज एंड टाइटल्ड. बताइए, जो इनका आइडिया है ड्रामा का, होता ना कि अपने बारे में हम सोचते हैं, पोएट्री के बारे में क्या सोचते हैं, ड्रामा के बारे में क्या सोचते हैं, तो कौन से ऐसे का कलेक्शन है जिसमें ये आपको फाउंड होता है. जैसे कि वर्ड्सवर्थ का हम मानेंगे कि जब सेकंड कलेक्शन आया था तो पोएट्री के बारे में उन्होंने बताया है कि वो क्या सोचते हैं, है ना, कि पोएट्री क्या है. तो ऐसे आप बताएंगे द ओशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द रिवर ऑफ ट्रैंक्विलिटी या द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी. तो हेयर द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who belongs to the realist tradition of Jones and Pinro? ये आ जाता है कि realist tradition के से कौन belong करता है, Jones and Pinro. तो गाजवर्दी is the correct answer here. Next is a young woman kills her own illegitimate child to escape social tyranny. ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्ले. तो a young woman, एक यंग वुमेन यहाँ पर मार देती है अपने illegitimate बच्चे को, यानी कि भाई जो बच्चा उसको पैदा होता है, मतलब वो रेप होता है उसके साथ में, तो वो एस्केप सोशल टायरनी, ताकि वो सोशल टायरनी से बच सके, क्योंकि लोग जीने नहीं देते ना ऐसे. तो दिस हैपन्स इन द प्ले, बताइए कौन से प्ले के अंदर होता है. तो यहाँ पर विंडोज के अंदर होता है, ठीक है, विंडोज के अंदर आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज गाजवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड इम्पार्शियल जुडिशियल. तो गाजवर्दी किसी का स्टेटमेंट है, बता कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं अंदाजा लगाइए. गाजवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड, इज बाई नेचर, बाई नेचर क्या है, वो कोल्ड है, इम्पार्शियल है, जुडिशियल है. ही कैन प्रेजेंट ऑन द स्टेज ऑफ क्लैश ऑफ करेक्टर एंड करेक्टर्स, यानी कि वो दिखाते हैं करेक्टर का करेक्टर से क्लैश दिखाते हैं. द स्ट्रगल हैव द पावर एंड द रिच, स्ट्रगल दिखाएंगे किसमें, पावर के बीच में, पावर एंड द रिच, यानी कि किस तरह से रिच और जो पावर होती है वो किस तरह से लोगों को इफेक्ट करते हैं. एंड ही नेवर डिप्रेसेस द बीम ऑफ जस्टिस विद हिज ऑन फिंगर, है ना, तो वो कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि वो सही पॉइंट पे ना पहुंच पाए. तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय विलियम हैरोल्ड अबाउट गाजवर्दी. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज इन लॉयल्टीज मैबल इज द वाइफ ऑफ. लॉयल्टीज के अंदर आपको बताना है जो मैबल है वो किसकी वाइफ है, ये बताएंगे आप फटाफट से. एक सेकेंड, मैं एक पॉइंट देखना चाह रही थी. ओके, पूरा नाम है इसका चार्ल्स विंडसोर, जो कि मेल्डन कोर्ट में है, ठीक है. लेडी एडिला, उनकी वाइफ है रोनाल्ड डेंसी. हाँ, जो रोनाल्ड डेंसी है ना, रोनी है, ठीक है, तो उन्हीं की वाइफ है ये,
ये कौन? मेबल डेंसी, स्पेशली आप बोलेंगे इनको, शादी कर ली तो मेबल डेंसी बन गई है, तो डेंसी की वाइफ है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी ऑल कट, ये हमने कर लिया है, फिर से अगेन ये लॉयल्टीज आएगा यहाँ पर कि वी ऑल कट ईच अदर्स थॉट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, लॉयल्टीज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ पर थीम है सारे प्ले की जो आपको पता होनी चाहिए, गाजवर्दी के प्ले की थीम, वो एक जगह मैंने ला दी है, इनको एक बार से देख लो, ठीक है। मैम यूपी टीजीटी कब होगा? विद इन 4 मंथ्स होगा, ठीक है, आप तैयारी कर लो अच्छे से। टाइटल्स ऑफ द प्लेस, इधर हम टाइटल लेंगे और इधर हम लेंगे प्रॉब्लम जो है इसमें डील कर रहे हैं वो जिससे, तो स्ट्राइफ के अंदर क्या डील हो रहा है, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आपको, ऐसा ही है ना स्ट्राइफ के अंदर, तो ये थीम मेजर पॉइंट है, ये ध्यान रखनी ही रखनी है आप लोगों को। द सिल्वर बॉक्स, इसमें क्या है, इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लॉ शो किया गया है, यानी कि इनजस्टिस को शो किया गया है, ठीक है, ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट वन इज जस्टिस, तो जस्टिस के अंदर क्या मिलेगा आपको, इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस, है ना, तो यही तो शो किया गया है कि वहां पर जो कैदी होते हैं तो उनके साथ इंग्लिश लीगल सिस्टम की पहली बार तो सजा ही गलत सुना रहा है, एंड फिर उसके बाद में वहां पर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया फोल्डर को, फिर उसकी जो मेंटली स्थिति थी तो वो किस तरह से खराब हो गई थी, है ना, तो ये दिखाया गया है इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इज द थीम ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वन इज लॉयल्टीज, अब लॉयल्टीज की क्या थीम है देख लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लायबिलिटीज टू डिफरेंट पर्सन और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है लायबिलिटीज, यानी कि स्पेशली आप मानते हैं ना, ऐसे मैंने बताया पहले कि डांसी को मान के चल रहे थे कि नहीं ये फोर्स वगैरह से है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये बंदा गलती नहीं हो सकता, ये चोरी नहीं कर सकता है, बल्कि जो नॉर्मल एक व्यक्ति है जो इसको ब्लेम कर रहा, ब्लेम किसको किया जा रहा था, जो भी न्यूली रिच्ड है ना, तो उसको ये कहकर कि तुम्हारे तो खानदान में ठेला चलाया जाता था, ऐसे था तो तुम चोरी कर सकते हो, तो उस पर इल्जाम लगाया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंट पर्सन और इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। द पीजन के अंदर इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन शेल्टर, जो शेल्टर होम होते हैं, शेल्टर होम्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, जो शेल्टर होम दे दिए जाते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट दे देती है कि भाई अपन में जैसे कोई भी ट्रेजेडी वगैरह कुछ हो जाती है, है ना, तो उनको शेल्टर होम दिए जाते हैं, तो उसमें कैसी स्थिति होती है, किस तरह से लोग सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पर जाकर आप देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, तो वो चीज़ दिखाई गई है द पीजन के अंदर। नेक्स्ट है आपका कमिंग इन द पुअर लो, है ना, तो नेक्स्ट है यहाँ पर द स्किन गेम, स्किन गेम की थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस, है ना, जो मैन्युफैक्चर करते हैं स्किन गेम के अंदर स्पेशली, और जो एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, पूंजीवाद आपको बोलेंगे, बहुत बोल सकते हैं इनको एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, अपर क्लास को बोलेंगे, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज एस्केप, एस्केप के अंदर क्या है, कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, जब जेल से रिहा हो जाते हैं जो प्रिजनर्स होते हैं तो उन लोगों की क्या स्थिति होती है समाज में, है ना मैम, 3 में लीगल होगा या इलीगल, विच वन, 3 इज जस्टिस, इन ह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट, देखिए लीगल तो है मतलब यहां पर पहले ही, या तो आप देखिए या तो यहाँ पर इलीगल लगा लीजिए या फिर यहाँ पर ह्यूमन लगा लीजिए, तो यहाँ पर पहले ही इसको इन लगा दिया गया है, तो इन ह्यूमैनिटी दिखाई गई है किसकी, जो लीगल सिस्टम है यानी कि हमारा जो लॉ है, इसलिए इलीगल नहीं लिखा गया यहाँ पर, जो हमारा लॉ है, ओके, तो वो उसका इनह्यूमन अमानवीय जो सिस्टम है ना, तो उस चीज को लिखा गया, इसलिए इलीगल नहीं होगा, अगर ये वर्ड नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर इलीगल जस्टिस लिख सकते थे, है ना, तो इलीगल नहीं है, जस्टिस तो लीगल ही है, इलीगल सिस्टम लिख सकते हैं कि इलीगल सिस्टम है, तो तब इसको आप साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं वर्ड को, ऐसे थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अवेयर रखिएगा किस में, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा एग्जाम में, तो ऐसे गड़बड़ मत कर देना, तो ये करेक्ट है, इनह्यूमन सिस्टम या फिर इलीगल सिस्टम आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट। ओके, हम कहाँ पर थे, हाँ अभी एस्केप से हम बात कर रहे थे, तो एस्केप में जो कंडीशन दिखाई गई है, एल्डेस्ट सन के अंदर क्या क्या दिखाया गया है, तो इविल ऑफ इलिसिट लव, जो इलिसिट लव होता है, वर्ड हम जानते हैं इलिसिट का मतलब, तो इविल ऑफ इलिसिट लव ये शो किया गया है एल्डेस्ट सन के अंदर।
फ्यूजिटिव, जो फ्यूजिटिव है इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इनफिडिलिटी दिखाई गई है. इन वाइफ ऑल्सो दोनों सेम ही चीजें आ रही हैं. इनफिडिलिटी इन वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशनशिप, है ना. मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा इनफिडिलिटी हो जाती है. तो उस चीज को यहाँ पर द फ्यूजिटिव के अंदर दिखाया गया है, शो किया गया है. रीजंस क्या हो सकते हैं, वो हर एक उस चीज को रिलेशनशिप को उठाते हैं, चीजों को उठाते हैं एंड उनको एक तरह से सही साबित भी करते हैं. तो द फ्यूजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ये सारी थीम है जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए. दैट्स इट. बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ जो जितने भी आपसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सबके सब मैंने इंक्लूड कर दिए आज की आपकी सेशन के अंदर. बाकी अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है, यानी कि जैसे कि आपको प्ले बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, आपको जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, लॉयल्टीज है, ये सब चीजें हैं, आपको स्किन गेम वगैरह सब पढ़ना है, तो फिर आपको पेड कोर्स यू हैव टू परचेज इट. क्योंकि अगर आपको मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है कि हाँ कितना हमें पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस चलती है, जैसे सैटरडे को भी प्रैक्टिस हुई, कल मैंने कराई, फिर मैं कराऊंगी फिर से, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं कराती हूँ वहाँ पर. होप्स हो कि ये बहुत यूजफुल, होप्स हो नहीं, डेफिनेटली कहूँगी मैं 110% कहूँगी कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है. एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स जो आज मैंने पढ़ाए, वो आपको याद रखने ही रखने हैं. आप उसे चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है तो. ओके, दैट्स ऑल फॉर द क्लास. इलिसिट मीन मैम नाजायज बोल सकते हैं. प्यार क्या है आपका, वो इलिसिट हो चुका है, है ना. एक डर्टी वे में आप जा सकते हैं तब आप कहेंगे इस चीज को. थैंक यू सो मच मैम. ओके मैम, जेएसएसबी के लिए बैच, सॉरी अभी मैं यूपी टीजीटी में फिर से अगेन बिजी हूँ. 2-2.5 महीने हो गए मुझे यूपी टीजीटी पीजीटी से दूर, और जो के लिए मेरे लिए एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दिल से रिश्ता है यूपी के साथ में, यूपी की मैं हूँ. एंड दूसरा, यूपी की जो बहुत सारी ऑडियंस जिसने मुझे उठाया है, यानी कि जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दिया है, तो डेफिनेटली मुझे उनके लिए वर्क करना होगा. एंड इस बार के एग्जाम में मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल ही जाए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं. ओके थैंक यू. टीजीटी के लिए बहुत बढ़िया. टीजीटी फी मैम पे देखो ये सब चेक कर लो, 500 तो ऑफ किया हुआ है, लगभग 109 की आपको पड़ेगा, 1099, है ना. तो ये 1 ईयर वैलिडिटी, आज खरीदोगे तो 1 साल तक रहेगी वैलिडिटी. एंड इस पे 500 ऑफ का कूपन अप्लाई कर लेना आपको, यानी कि कोर्स जो है लगभग कितने का है, 1599 का है, जो टीजीटी वाला ही कोर्स है. तो इस पे 500 ऑफ कूपन जो है उस पे क्लिक कर देना, 500 लेस हो जाएंगे. जब लेस हो जाए, 1099 दिखाई देने लगे, तभी परचेज करोगे. एंड कंटेंट सेक्शन में जाओगे, कंटेंट सेक्शन में पूरा कोर्स कराया गया है वो करोगे, ठीक है. वन बाय वन प्लेलिस्ट जो है आपको वो सारी कंप्लीट करनी होगी. एंड लाइव जो सेशन है, वो लाइव सेशन का आपको सैटरडे को वेट करना पड़ेगा. सैटरडे को मैं आपसे मिलूंगी ही मिलूंगी, कब, 8 PM, ठीक है. तो जिसमें आप अपनी जितनी क्वेरीज हैं, जो कुछ हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं. तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही. मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट संडे को, जब तक कोई ऐसा एग्जाम जो है जो मुझे लगे कि हाँ मुझे लेना चाहिए, तब तक मैं आपके साथ में संडे को ही आऊँगी. अदरवाइज आपको मुझे सैटरडे को भी देखना है तो फिर आप ऐप पर भी आ जाइए, ठीक है. यूपी में कहाँ से हो मैम, यूपी में मैं हापुड़ से हूँ, अगर आप जानते हों तो, ठीक है. ओके चलिए बस अब चलते हैं. थैंक यू विजय जी. एंड मेहनत कीजिए, मेहनत से ही कुछ हो सकता है. और अंधाधुंध मेहनत ऐसी मत करिए कि बस लगे पड़े, कुछ पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जाना है. ऐसी मेहनत का कोई भी बेनिफिट है नहीं. मेहनत करो, इंटेलिजेंसी के साथ में करो, भीड़ के पीछे मत भागो. जिधर भीड़ भाग रही है, अगर भीड़ सही दिशा में भाग रही है, तो वो खुद पता लगाओ कि हाँ राइट डायरेक्शन है, तभी हम जाएं. ऐसा नहीं है कि बस भीड़ देखी किधर को भी चल दिए, ऐसा नहीं करना है. अपना इंटरेस्ट देखो पहली बात तो, कि इंटरेस्ट है किसी चीज़ में या नहीं है. फिर खुद से एनालाइज करना सीखो चीज़ों को. जूलियस सीजर की वो ऑडियंस मत बनो, जैसे जूलियस सीजर की थी ना सारी जनता, ऐसी मत बनो कि एक ने कुछ कह दिया तो उधर को पलट गए, फिर एंटनी ने क्या कर दिया, एंटोनी ने स्टेटमेंट दे दिया तो उधर को पलट गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करो, क्या आपके लिए सही है, ठीक है. एनालाइज करो, फिर वहाँ पर चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है. इधर उधर भटको मत, टाइम बहुत प्रेशियस है, उसको यूटिलाइज करो. जल्दी से जल्दी काम पे लगो, काम पे यानी कि जो सोचा है उसे वो कंप्लीट करो, और फिर लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है. दैट्स इट. चलिए
गुड बाय एंड टेक केयर.